नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको सनम तेरी कसम मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। सनम तेरी कसम 2016 फिल्म। सनम तेरी कसम 2016 की एक भारतीय रोमांटिक ट्रेजेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन राधिका रॉय, बिना सप्रू की जोड़ी ने किया है और दीपक मकुर द्वारा निर्मित है। इसमें हर्षवर्धन राणे और मावरा होकेन प्रमुख भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म एरिक सैगल के उपन्यास लव स्टोरी का आधुनिक संस्करण है। फिल्म में जब सरस्वती के पिता उसे घर से बाहर निकाल देते हैं, तो इंदर सभी बाधाओं के खिलाफ उसके साथ खड़ा होता है और यह उन्हें एक दूसरे के करीब लाता है। हालांकि उन्हें अलग करने के लिए नियति की अपनी योजनाएँ हैं। निर्देशक राधिका राय, विनय सप्रू द्वारा लिखित राधिका राय, विनय सप्रू द्वारा निर्मित दीपक मुकुट, अभिनीत हर्षवर्धन राणे, मावरा होकेन, सिद्धांत घेगड़मल, छायांकन चिरंतन दास, संगीत दिया हिमेश रेशमिया, उत्पादन कंपनियां झूम झूम प्रोडक्शंस, सोहम, रॉकी स्टार प्रोडक्शंस द्वारा वितरित, हीरोज इंटरनेशनल। रिलीज की तारीख 5 फरवरी 2016। भारत, कार्यकारी समय 154 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। बजट 25 करोड़ US डॉलर, 3.1 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 56 करोड़ US डॉलर, 7.0 मिलियन। यह फिल्म हीरोज इंटरनेशनल के तहत 5 फरवरी 2016 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। फिल्म ने 56 करोड़ US डॉलर, 7.0 मिलियन से अधिक की कमाई की। भूखंड एक केस जीतने के बाद लोगों और मीडिया की भारी भीड़ वकील इंदरलाल परिहार को बधाई देती है। बाद में वह शैंपेन की एक बोतल खरीदता है और एक फ्लैशबैक के रूप में एक पेड़ का सामना करने के लिए घर लौटता है। सरस्वती स्वरूप पार्थ सारथी एक बेहद पारंपरिक तेलुगु युवा लाइब्रेरियन है, जिन्हें कई शूटर्स द्वारा खारिज किया कर दिया जाता है, जो उन्हें पुराने जमाने और अप्रिय पाते हैं। उसकी छोटी बहन कावेरी की मंगेतर ने उसे एक महीने के भीतर उससे शादी करने का अल्टीमेटम जारी किया। यह फिर आगे बढ़ गई, लेकिन उसके सत पिता जयराम पार्थ सारथी का कहना है कि उसकी शादी तब तक नहीं हो सकती जब तक शुरू की शादी नहीं हो जाती। क्रोधित होकर कावेरी ने उसका अपमान किया और भाग जाने की धमकी दी। शुरू ने उसे भागने और जयराम को चोट न पहुंचाने की भीख मांगी और कावेरी से वादा किया कि वह जल्द ही एक पति ढूंढ लेगी। उसी इमारत में रहने वाले इंदर फिर एक सुंदर पूर्व अपराधी, जो प्रसिद्ध फैशनिस्टा स्टाइलिश रूबी मल्होत्रा के साथ रिश्ते में हैं। जयराम उन्हें समाज के लिए एक बुरे प्रभाव के रूप में देखते हैं, क्योंकि वह उन्हें शर्मनाक पाते हैं। हालांकि कुछ दिनों बाद उनका ब्रेकअप हो जाता है। जब सरू के माता पिता शहर से बाहर होते हैं, तो सरू चुपके से इंदर से मिलता है और रूबी से मेकओवर अपॉइंटमेंट लेने के लिए मदद मांगता है। वह अपने ऑफिस क्रश अभिमन्यु शास्त्री को प्रभावित करना चाहती है, जिनके पास IIT में डिग्री है। उनकी बातचीत के दौरान एक शराबी रूबी अंदर आती है और इंदर को धोखा देने का अनुमान लगाती है। गुस्से में वह शरू का अपमान करती है और अपनी शराब की बोतल शरू पर फेंक देती है और चली जाती है, लेकिन इंदर उसे ढाल देता है और बुरी तरह घायल हो जाता है। शरू इंदर को उसके बिस्तर तक ले जाने में मदद करता है, जबकि चौकीदार इंदर के अपार्टमेंट के पास पहुंचता है और उन्हें अतरंग स्थिति में गलत समझकर समाज के सभी बुजुर्गों को सचेत करता है। अनजान शरू इंदर की अनिच्छा के बावजूद उसके घाव को ठीक करने में मदद करता है। जयराम अपनी यात्रा से जल्दी लौट आता है। वह और बड़ों ने शरू को अपने बिस्तर पर इंदर के साथ पाया। स्थिति को बुरी तरह से गलत समझा, जबकि जयराम ने उसे छोड़ दिया। शरू अपनी माँ अरुंधति को बताता है कि उस रात वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन उससे जयराम को ना बताने के लिए कहता है, क्योंकि उसने आखिरकार कावेरी की शादी के लिए सहमति दे दी थी। इंदर उसे एक अपार्टमेंट खोजने में मदद करता है और एक स्थानीय हेयर ड्रेसर मुस्तकीन की मदद से उसका मेकओवर भी करवाता है। अपने नए मेकओवर के साथ वह अभिमन्यु का ध्यान खींचती है। इस बीच इंदर को उससे प्यार हो जाता है,
लेकिन जब अभिमन्यु उसे प्रपोज करता है तो वह चुप रहता है, क्योंकि वह चाहता है कि वह खुश रहे। हालांकि अभिमन्यु ने शादी के दिन उसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उसके पिता एक बदनाम बहू नहीं चाहते थे। शरू का दिल टूट गया और वह अपने हनीमून स्वीट में चली गई। वहाँ से शरू और इंदर एक साथ रात बिताते हैं। अगली सुबह इंदर शरू को अभिमन्यु को गले लगाते हुए देखता है और दिल टूट जाता है। शरू के साथ सभी संपर्कों को तोड़ते हुए इंदर अब साथ में आ जाता है। जब उसे अभिमन्यु से पता चलता है कि शरू ने वास्तव में अभिमन्यु के दूसरे मौके के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था, तो वह उसे ट्रैक करता है और उसे एक बौद्ध मठ में पाता है, जहां वह उससे अपने प्यार का इजहार करता है। शरू बेहोश हो जाता है और इंदर उसे अस्पताल ले जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वह पीड़ित है। मस्तिका वर्णावर्ध और जीने के लिए बहुत कम दिन होते हैं। जब जबरन शरू के माता पिता के घर में घुस जाता है और उनसे मांग करता है कि वे अपनी बेटी के मरने का नाटक करना बंद करें। अगले दिन उसे जयराम द्वारा लगाए गए आरोपों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। शरू डिस्चार्ज हो जाता है और लाइब्रेरी जाता है, जहाँ उसे चेकआउट पर्चियों में इंदर द्वारा उसके लिए छोड़े गए गुप्त संदेशों का पता चलता है। यह महसूस करते हुए कि वह शुरू से ही उसे प्यार करता है, दोनों एकजुट हो जाते हैं और शुरू इंदर से उसे शादी करने के लिए कहता है। उस रात शुरू उसे बताती है कि उसकी मृत्यु के बाद वह एक खूबसूरत फूल वाले पेड़ के नीचे दफन होना चाहती है। इंदर जयराम से मिलता है और उसे बताता है कि वह शुरू से शादी कर रहा है और उसके लिए मर भी सकता है। अपनी शादी के दिन शुरू के माता पिता आते हैं और उनकी शादी को स्वीकार करते हैं। शादी के बाद शुरू बेहोश हो जाता है और अस्पताल में भर्ती हो जाता है। उसके माता पिता को उसकी बीमारी के बारे में पता चलता है और जयराम दिल टूट रहे हैं और दोषी महसूस करता है। इंदर अपने पिता राजेंद्र लाल परियार से पूछता है, जिसके साथ उसका एक तनावपूर्ण रिश्ता है। उसके लिए शरू को दफनाने के लिए पेड़ के नीचे ज़मीन हासिल करने के लिए शरू इंदर की बाहों में मर जाता है और इंदर का दिल टूट जाता है। इंदर राजेंद्र को अस्पताल में पाता है और उसके साथ सुलह करता है। अब एक सफल वकील इंदर उस पेड़ के पास खड़ा है जो शरू की कब्र को चिन्हित करता है। वह दावा करता है कि उसे सफल और शांत देखकर खुश होना चाहिए। वह कहता है कि वह उसे याद करता है और शाश्वत सच्चे प्यार का वादा करता है। फेकना हर्षवर्धन राणे इंदर परिहार के रूप में, सरस्वती शरू पार्थ सारथी ऑब्लिक सरस्वती इंदर परिहार के रूप में, मावरा होकेन सिद्धांत खेक डमल अमित के रूप में, मनीष चौधरी जयराम पार्थ सारथी शरू के पिता के रूप में, प्यू मोरी मेहता अरुंधति पार्थ सारथी के रूप में, दिव्यता सिंह कावेरी पार्थ सारथी शरू की बहन के रूप में, अभिमन्यु शास्त्री शरू के दोस्त और बाद में मंगेतर के रूप में, अनुराग सिन्हा मुरली शर्मा इंस्पेक्टर हरी निकम के रूप में, श्रद्धा दास रूबी मल्होत्रा के रूप में, मुस्तकीन भाई के रूप में, विजयराज सुदेश बेरी इंदर के पिता राजेंद्र लाल परिहार के रूप में, पंडित के रूप में रवि शर्मा, कृष्णा राठौर चौकीदार के रूप में, आलोक पांडे रुशद राणा डॉक्टर के रूप में, कास्टिंग डायरेक्टर के रूप में गिरधर स्वामी, गीत संगीत सनम तेरी कसम द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम हिमेश रेशमिया, 7 जनवरी 2016 रिकॉर्डेड 2015, शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक लंबाई 44:16, लेवल इरोज नाउ निर्माता हिमेश रेशमिया, हिमेश रेशमिया कालक्रम प्रेम रतन धन पायो 2015, सनम तेरी कसम 2016, तेरा सुरूर 2016, गाने हिमेश रेशमिया ने कंपोज किए थे, गाने के बोल समीर अनजान शब्बीर अहमद रेशमिया और सुब्रत सिन्हा ने लिखे हैं। शीर्षक ट्रैक 22 दिसंबर 2015 को जारी किया गया था और पूरा एल्बम 7 जनवरी 2016 को जारी किया गया था। सारा संगीत हिमेश रेशमिया द्वारा रचित है। गाना नंबर 1 सनम तेरी कसम, इस गाने के बोल समीर अनजान ने लिखे हैं और गायकार अंकित तिवारी और पलक मुच्छल हैं। गाना नंबर 2 खींच मेरी फ़ोटो, इस गाने के बोल लिखे हैं समीर अनजान ने और इस गाने के गायकार दर्शन रावल नीति मोहन और अकाशा सिंह हैं। गाना नंबर 3 बेवजह, इस गाने के बोल लिखे हैं समीर अनजान ने और इस गाने के गायकार हिमेश रेशमिया हैं। गाना नंबर 4 तेरा चेहरा, इस गाने के बोल शब्बीर अहमद ने लिखे हैं और इस गाने को अरिजीत सिंह ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 5 हाले दिल पुरुष, इस गाने के बोल समीर अनजान ने लिखे हैं और गायकार श्री राम हैं।
गाना नंबर 6 हाले दिल महिला, इस गाने के बोल समीर अंजान ने लिखे हैं और गायकार नीति मोहन हैं। गाना नंबर 7 एक नंबर, इस गाने के बोल हिमेश रेशमिया ने लिखे हैं और इस गाने के गायकार हिमेश रेशमिया और नीति मोहन हैं। गाना नंबर 8 मैं तेरी यादों में, इस गाने के बोल सुब्रत सिन्हा ने लिखे हैं, इस गाने के गायकार अरिजीत सिंह हैं। गाना नंबर 9 सनम तेरी कसम आश्चर्य, इस गाने के बोल समीर अंजान ने लिखे हैं और गाने के गायकार मोहम्मद इरफान अली और पलक मुच्छल हैं। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको सनम तेरी कसम मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। सनम तेरी कसम 2016 फिल्म। सनम तेरी कसम 2016 की एक भारतीय रोमांटिक ट्रेजेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन राधिका रॉय बिना सप्रू की जोड़ी ने किया है और दीपक मुकुट द्वारा निर्मित है। इसमें हर्षवर्धन राणे और मावरा होकेन प्रमुख भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म एरिक सैगल के उपन्यास लव स्टोरी का आधुनिक संस्करण है। फिल्म में जब सरस्वती के पिता उसे घर से बाहर निकाल देते हैं तो इंदर सभी बाधाओं के खिलाफ उसके साथ खड़ा होता है और यह उन्हें एक दूसरे के करीब लाता है। हालांकि उन्हें अलग करने के लिए नियति की अपनी योजनाएँ हैं। निर्देशक राधिका राय बिना सप्रू द्वारा लिखित, राधिका राय बिना सप्रू द्वारा निर्मित, दीपक मुकुट अभिनीत, हर्षवर्धन राणे, मावरा होकेन, सिद्धांत घेगड़मल छायांकन, चिरंतन दास संगीत, या हिमेश रेशमिया। उत्पादन कंपनियां झूम झूम प्रोडक्शंस, सोहम रॉक स्टार प्रोडक्शंस द्वारा वितरित, हीरोज इंटरनेशनल। रिलीज की तारीख 5 फरवरी 2016। भारत, कार्यकारी समय 154 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। बजट 25 करोड़ US डॉलर, 3.1 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 56 करोड़ US डॉलर, 7.0 मिलियन। यह फिल्म हीरोज इंटरनेशनल के तहत 5 फरवरी 2016 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। फिल्म ने 56 करोड़ US डॉलर, 7.0 मिलियन से अधिक की कमाई की। भूखंड एक केस जीतने के बाद लोगों और मीडिया की भारी भीड़ वकील इंदरलाल परिहार को बधाई देती है। बाद में वह शैंपेन की एक बोतल खरीदता है और एक फ्लैशबैक के रूप में एक पेड़ का सामना करने के लिए घर लौटता है। सरस्वती स्वरूप पार्थ सारथी एक बेहद पारंपरिक तेलुगु युवा लाइब्रेरियन है, जिन्हें कई शूटर्स द्वारा खारिज किया कर दिया जाता है, जो उन्हें पुराने जमाने और अप्रिय पाते हैं। उसकी छोटी बहन कावेरी की मंगेतर ने उसे एक महीने के भीतर उसे शादी करने का अल्टीमेटम जारी किया या फिर आगे बढ़ गई, लेकिन उसके सत पिता जयराम पार्थ सारथी का कहना है कि उसकी शादी तब तक नहीं हो सकती जब तक शुरू की शादी नहीं हो जाती। क्रोधित होकर कावेरी ने उसका अपमान किया और भाग जाने की धमकी दी। शुरू ने उसे भागने और जयराम को चोट न पहुंचाने की भीख मांगी और कावेरी से वादा किया कि वह जल्द ही एक पति ढूंढ लेगी। उसी इमारत में रहने वाले इंदर फिर एक सुंदर पूर्व अपराधी जो प्रसिद्ध फैशनिस्टा स्टाइलिश रूबी मल्होत्रा के साथ रिश्ते में हैं। जयराम उन्हें समाज के लिए एक बुरे प्रभाव के रूप में देखते हैं क्योंकि वह उन्हें शर्मनाक पाते हैं। हालांकि कुछ दिनों बाद उनका ब्रेकअप हो जाता है। जब सरू के माता पिता शहर से बाहर होते हैं तो सरू चुपके से इंदर से मिलता है और रूबी से मेकओवर अपॉइंटमेंट लेने के लिए मदद मांगता है। वह अपने ऑफिस क्रश अभिमन्यु शास्त्री को प्रभावित करना चाहती है, जिनके पास IIT में डिग्री है। उनकी बातचीत के दौरान एक शराबी रूबी अंदर आती है और इंदर को धोखा देने का अनुमान लगाती है। गुस्से में वह शरू का अपमान करती है और अपनी शराब की बोतल शरू पर फेंक देती है और चली जाती है, लेकिन इंदर उसे ढाल देता है
और बुरी तरह घायल हो जाता है। सरू इंदर को उसके बिस्तर तक ले जाने में मदद करता है, जबकि चौकीदार इंदर के अपार्टमेंट के पास पहुंचता है और उन्हें अतरंग स्थिति में गलत समझकर समाज के सभी बुजुर्गों को सचेत करता है। अनजान सरू इंदर की अनिच्छा के बावजूद उसके घाव को ठीक करने में मदद करता है। जयराम अपनी यात्रा से जल्दी लौट आता है। वह और बड़ों ने सरू को अपने बिस्तर पर इंदर के साथ पाया। स्थिति को बुरी तरह से गलत समझा, जबकि जयराम ने उसे छोड़ दिया। सरू अपनी माँ अरुंधति को बताता है कि उस रात वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन उससे जयराम को ना बताने के लिए कहता है, क्योंकि उसने आखिरकार कावेरी की शादी के लिए सहमति दे दी थी। इंदर उसे एक अपार्टमेंट खोजने में मदद करता है और एक स्थानीय हेयर ड्रेसर मुस्तकीन की मदद से उसका मेकओवर भी करवाता है। अपने नए मेकओवर के साथ वह अभिमन्यु का ध्यान खींचती है। इस बीच इंदर को उससे प्यार हो जाता है, लेकिन जब अभिमन्यु उसे प्रपोज करता है तो वह चुप रहता है, क्योंकि वह चाहता है कि वह खुश रहे। हालांकि अभिमन्यु ने शादी के दिन उसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उसके पिता एक बदनाम बहू नहीं चाहते थे। शरू का दिल टूट गया और वह अपने हनीमून स्वीट में चली गई। वहाँ से शरू और इंदर एक साथ रात बिताते हैं। अगली सुबह इंदर शरू को अभिमन्यु को गले लगाते हुए देखता है और दिल टूट जाता है। शरू के साथ सभी संपर्कों को तोड़ते हुए इंदर अब साध में आ जाता है। जब उसे अभिमन्यु से पता चलता है कि शरू ने वास्तव में अभिमन्यु के दूसरे मौके के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था, तो वह उसे ट्रैक करता है और उसे एक बौद्ध मठ में पाता है, जहां वह उससे अपने प्यार का इजहार करता है। शरू बेहोश हो जाता है और इंदर उसे अस्पताल ले जाता है, जहां उसे पता चलता है कि वह पीड़ित है। मस्तिका वर्णावर्द और जीने के लिए बहुत कम दिन होते हैं। जब जबरन शरू के माता पिता के घर में घुस जाता है और उनसे मांग करता है कि वे अपनी बेटी के मरने का नाटक करना बंद करें। अगले दिन उसे जयराम द्वारा लगाए गए आरोपों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। शरू डिस्चार्ज हो जाता है और लाइब्रेरी जाता है, जहां उसे चेकआउट पर्चियों में इंदर द्वारा उसके लिए छोड़े गए गुप्त संदेशों का पता चलता है। यह महसूस करते हुए कि वह शुरू से ही उसे प्यार करता है, दोनों एकजुट हो जाते हैं और शुरू इंदर से उसे शादी करने के लिए कहता है। उस रात शरू उसे बताती है कि उसकी मृत्यु के बाद वह एक खूबसूरत फूल वाले पेड़ के नीचे दफन होना चाहती है। इंदर जयराम से मिलता है और उसे बताता है कि वह शरू से शादी कर रहा है और उसके लिए मर भी सकता है। अपनी शादी के दिन शरू के माता पिता आते हैं और उनकी शादी को स्वीकार करते हैं। शादी के बाद शरू बेहोश हो जाता है और अस्पताल में भर्ती हो जाता है। उसके माता पिता को उसकी बीमारी के बारे में पता चलता है और जयराम दिल टूटने और दोषी महसूस करता है। इंदर अपने पिता राजेंद्र लाल परिहार से पूछता है, जिसके साथ उसका एक तनावपूर्ण रिश्ता है। उसके लिए शरू को दफनाने के लिए पेड़ के नीचे ज़मीन हासिल करने के लिए शरू इंदर की बाहों में मर जाता है और इंदर का दिल टूट जाता है। इंदर राजेंद्र को अस्पताल में पाता है और उसके साथ सुलह करता है। अब एक सफल वकील इंदर उस पेड़ के पास खड़ा है, जो शरू की कब्र को चिन्हित करता है। वह दावा करता है कि उसे सफल और शांत देखकर खुश होना चाहिए। वह कहता है कि वह उसे याद करता है और शाश्वत सच्चे प्यार का वादा करता है। फेकना हर्षवर्धन राणे इंदर परिहार के रूप में, सरस्वती शरू पार्थ सारथी ऑब्लिक सरस्वती इंदर परिहार के रूप में, मावरा होकेन सिद्धांत खेक डमल अमित के रूप में, मनीष चौधरी जयराम पार्थ सारथी शरू के पिता के रूप में, प्यूमोरी मेहता अरुंधति पार्थ सारथी के रूप में, दिव्यता सिंह कावेरी पार्थ सारथी शरू की बहन के रूप में, अभिमन्यु शास्त्री शरू के दोस्त और बाद में मंगेतर के रूप में, अनुराग सिन्हा मुरली शर्मा इंस्पेक्टर हरी निकम के रूप में, श्रद्धा दास रूबी मल्होत्रा के रूप में, मुस्तकीन भाई के रूप में, विजयराज सुदेश बेरी इंदर के पिता राजेंद्र लाल परिहार के रूप में, पंडित के रूप में रवि शर्मा, कृष्णा राठौर चौकीदार के रूप में, आलोक पांडे रुशद राणा डॉक्टर के रूप में, कास्टिंग डायरेक्टर के रूप में गिरधर स्वामी, गीत संगीत सनम तेरी कसम द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम हिमेश रेशमिया, 7 जनवरी 2016 रिकॉर्डेड 2015, शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक लंबाई 44:16, लेवल इरोज नाउ निर्माता हिमेश रेशमिया कालक्रम प्रेम रतन धन पायो 2015, सनम तेरी कसम 2016, तेरा सुरूर 2016। गाने हिमेश रेशमिया ने कंपोज किए थे। गाने के बोल समीर अनजान, शब्बीर अहमद रेशमिया और सुब्रत सिन्हा ने लिखे हैं।
शीर्षक ट्रैक 22 दिसंबर 2015 को जारी किया गया था और पूरा एल्बम 7 जनवरी 2016 को जारी किया गया था। सारा संगीत हिमेश रेशमिया द्वारा रचित है। गाना नंबर 1 सनम तेरी कसम। इस गाने के बोल समीर अंजान ने लिखे हैं और गायकार अंकित तिवारी और पलक मुच्छल हैं। गाना नंबर 2 खींच मेरी फ़ोटो। इस गाने के बोल लिखे हैं समीर अंजान ने और इस गाने के गायकार दर्शन रावल, नीति मोहन और अकाशा सिंह हैं। गाना नंबर 3 बेवजह। इस गाने के बोल लिखे हैं समीर अंजान ने और इस गाने के गायकार हिमेश रेशमिया हैं। गाना नंबर 4 तेरा चेहरा। इस गाने के बोल शब्बीर अहमद ने लिखे हैं और इस गाने को अरिजीत सिंह ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 5 हाले दिल पुरुष। इस गाने के बोल समीर अंजान ने लिखे हैं और गायकार श्री राम हैं। गाना नंबर 6 हाले दिल महिला। इस गाने के बोल समीर अंजान ने लिखे हैं और गायकार नीति मोहन हैं। गाना नंबर 7 एक नंबर। इस गाने के बोल हिमेश रेशमिया ने लिखे हैं और इस गाने के गायकार हिमेश रेशमिया और नीति मोहन हैं। गाना नंबर 8 मैं तेरी यादों में। इस गाने के बोल सुब्रत सिन्हा ने लिखे हैं। इस गाने के गायकार अरिजीत सिंह हैं। गाना नंबर 9 सनम तेरी कसम आश्चर्य। इस गाने के बोल समीर अंजान ने लिखे हैं और गाने के गायकार मोहम्मद इरफान अली और पलक मुच्छल हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको सनम तेरी कसम मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। सनम तेरी कसम 2016 फिल्म। सनम तेरी कसम 2016 की एक भारतीय रोमांटिक ट्रेजेडी फिल्म है जिसका निर्देशन राधिका रॉय बिना सप्रू की जोड़ी ने किया है और दीपक मुकुट द्वारा निर्मित है। इसमें हर्षवर्धन राणे और मावरा होकेन प्रमुख भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म एरिक सैगल के उपन्यास लव स्टोरी का आधुनिक संस्करण है। फिल्म में जब सरस्वती के पिता उसे घर से बाहर निकाल देते हैं तो इंदर सभी बाधाओं के खिलाफ उसके साथ खड़ा होता है और यह उन्हें एक दूसरे के करीब लाता है। हालांकि उन्हें अलग करने के लिए नियति की अपनी योजनाएँ हैं। निर्देशक राधिका राय विनय सप्रू द्वारा लिखित राधिका राय विनय सप्रू द्वारा निर्मित दीपक मुकुट अभिनीत हर्षवर्धन राणे मावरा होकेन सिद्धांत घेगड़मल छायांकन चिरंतन दास संगीत दिया हिमेश रेशमिया उत्पादन कंपनियां झूम झूम प्रोडक्शंस सोहम रॉक स्टार प्रोडक्शंस द्वारा वितरित हीरोज इंटरनेशनल रिलीज की तारीख 5 फरवरी 2016 भारत कार्यकारी समय 154 मिनट देश भारत भाषा हिंदी बजट 25 करोड़ US डॉलर 3.1 मिलियन बॉक्स ऑफिस 56 करोड़ US डॉलर 7.0 मिलियन। यह फिल्म हीरोज इंटरनेशनल के तहत 5 फरवरी 2016 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। फिल्म ने 56 करोड़ US डॉलर 7.0 मिलियन से अधिक की कमाई की। भूखंड 1 केस जीतने के बाद लोगों और मीडिया की भारी भीड़ वकील इंदर लाल परिहार को बधाई देती है। बाद में वह शैंपेन की एक बोतल खरीदता है और एक फ्लैशबैक के रूप में एक पेड़ का सामना करने के लिए घर लौटता है। सरस्वती स्वरूप पार्थ सारथी एक बेहद पारंपरिक तेलुगु युवा लाइब्रेरियन है जिन्हें कई शूटर्स द्वारा खारिज किया कर दिया जाता है जो उन्हें पुराने जमाने और अप्रिय पाते हैं। उसकी छोटी बहन कावेरी की मंगेतर ने उसे 1 महीने के भीतर उससे शादी करने का अल्टीमेटम जारी किया या फिर आगे बढ़ गई, लेकिन उसके सत पिता जयराम पार्थ सारथी का कहना है कि उसकी शादी तब तक नहीं हो सकती जब तक शुरू की शादी नहीं हो जाती। क्रोधित होकर कावेरी ने उसका अपमान किया और भाग जाने की धमकी दी। शुरू ने उसे भागने और जयराम को चोट न पहुंचाने की भीख मांगी और कावेरी से वादा किया कि वह जल्द ही एक पति ढूंढ लेगी। उसी इमारत में रहने वाले इंदर फिर एक सुंदर पूर्व अपराधी
जो प्रसिद्ध फैशनिस्टा स्टाइलिश रूबी मल्होत्रा के साथ रिश्ते में हैं। जयराम उन्हें समाज के लिए एक बुरे प्रभाव के रूप में देखते हैं क्योंकि वह उन्हें शर्मनाक पाते हैं। हालांकि कुछ दिनों बाद उनका ब्रेकअप हो जाता है। जब सरू के माता पिता शहर से बाहर होते हैं तो सरू चुपके से इंदर से मिलता है और रूबी से मेकओवर अपॉइंटमेंट लेने के लिए मदद मांगता है। वह अपने ऑफिस क्रश अभिमन्यु शास्त्री को प्रभावित करना चाहती है जिनके पास IIT में डिग्री है। उनकी बातचीत के दौरान एक शराबी रूबी अंदर आती है और इंदर को धोखा देने का अनुमान लगाती है। गुस्से में वह शरू का अपमान करती है और अपनी शराब की बोतल शरू पर फेंक देती है और चली जाती है, लेकिन इंदर उसे ढाल देता है और बुरी तरह घायल हो जाता है। शरू इंदर को उसके बिस्तर तक ले जाने में मदद करता है जबकि चौकीदार इंदर के अपार्टमेंट के पास पहुंचता है और उन्हें अतरंग स्थिति में गलत समझकर समाज के सभी बुजुर्गों को सचेत करता है। अनजान शरू इंदर की अनिच्छा के बावजूद उसके घाव को ठीक करने में मदद करता है। जयराम अपनी यात्रा से जल्दी लौट आता है। वह और बड़ों ने शरू को अपने बिस्तर पर इंदर के साथ पाया। स्थिति को बुरी तरह से गलत समझा जबकि जयराम ने उसे छोड़ दिया। शरू अपनी माँ अरुंधति को बताता है कि उस रात वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन उससे जयराम को ना बताने के लिए कहता है क्योंकि उसने आखिरकार कावेरी की शादी के लिए सहमति दे दी थी। इंदर उसे एक अपार्टमेंट खोजने में मदद करता है और एक स्थानीय हेयर ड्रेसर मुस्तकीन की मदद से उसका मेकओवर भी करवाता है। अपने नए मेकओवर के साथ वह अभिमन्यु का ध्यान खींचती है। इस बीच इंदर को उससे प्यार हो जाता है, लेकिन जब अभिमन्यु उसे प्रपोज करता है तो वह चुप रहता है क्योंकि वह चाहता है कि वह खुश रहे। हालांकि अभिमन्यु ने शादी के दिन उसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि उसके पिता एक बदनाम बहू नहीं चाहते थे। शरू का दिल टूट गया और वह अपने हनीमून स्वीट में चली गई। वहाँ से शरू और इंदर एक साथ रात बिताते हैं। अगली सुबह इंदर शरू को अभिमन्यु को गले लगाते हुए देखता है और दिल टूट जाता है। शरू के साथ सभी संपर्कों को तोड़ते हुए इंदर अवसाद में आ जाता है। जब उसे अभिमन्यु से पता चलता है कि शरू ने वास्तव में अभिमन्यु के दूसरे मौके के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था तो वह उसे ट्रैक करता है और उसे एक बौद्ध मठ में पाता है जहाँ वह उससे अपने प्यार का इजहार करता है। शरू बेहोश हो जाता है और इंदर उसे अस्पताल ले जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि वह पीड़ित है। मस्तिका वर्णलावृद्ध और जीने के लिए बहुत कम दिन होते हैं। जब जबरन शरू के माता पिता के घर में घुस जाता है और उनसे मांग करता है कि वे अपनी बेटी के मरने का नाटक करना बंद करें। अगले दिन उसे जयराम द्वारा लगाए गए आरोपों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। शरू डिस्चार्ज हो जाता है और लाइब्रेरी जाता है जहाँ उसे चेकआउट पर्चियों में इंदर द्वारा उसके लिए छोड़े गए गुप्त संदेशों का पता चलता है। यह महसूस करते हुए कि वह शुरू से ही उसे प्यार करता है, दोनों एकजुट हो जाते हैं और शुरू इंदर से उसे शादी करने के लिए कहता है। उस रात शरू उसे बताती है कि उसकी मृत्यु के बाद वह एक खूबसूरत फूल वाले पेड़ के नीचे दफन होना चाहती है। इंदर जयराम से मिलता है और उसे बताता है कि वह शरू से शादी कर रहा है और उसके लिए मर भी सकता है। अपनी शादी के दिन शरू के माता पिता आते हैं और उनकी शादी को स्वीकार करते हैं। शादी के बाद शरू बेहोश हो जाता है और अस्पताल में भर्ती हो जाता है। उसके माता पिता को उसकी बीमारी के बारे में पता चलता है और जयराम दिल टूटने और दोषी महसूस करता है। इंदर अपने पिता राजेंद्र लाल परियार से पूछता है जिसके साथ उसका एक तनावपूर्ण रिश्ता है। उसके लिए शरू को दफनाने के लिए पेड़ के नीचे ज़मीन हासिल करने के लिए शरू इंदर की बाहों में मर जाता है और इंदर का दिल टूट जाता है। इंदर राजेंद्र को अस्पताल में पाता है और उसके साथ सुलह करता है। अब एक सफल वकील इंदर उस पेड़ के पास खड़ा है जो शरू की कब्र को चिन्हित करता है। वह दावा करता है कि उसे सफल और शांत देखकर खुश होना चाहिए। वह कहता है कि वह उसे याद करता है और शाश्वत सच्चे प्यार का वादा करता है। फेकना हर्षवर्धन राणे इंदर परिहार के रूप में, सरस्वती शरू पार्थ सारथी ऑब्लिक सरस्वती इंदर परिहार के रूप में, मावरा होकेन सिद्धांत खेक डमल अमित के रूप में, मनीष चौधरी जयराम पार्थ सारथी शरू के पिता के रूप में, प्यू मोरी मेहता अरुंधति पार्थ सारथी के रूप में, दिव्यता सिंह कावेरी पार्थ सारथी शरू की बहन के रूप में, अभिमन्यु शास्त्री शरू के दोस्त और बाद में मंगेतर के रूप में, अनुराग सिन्हा मुरली शर्मा इंस्पेक्टर हरि निकम के रूप में, श्रद्धा दास रूबी मल्होत्रा के रूप में, मुस्तकीन भाई के रूप में, विजयराज
सुदेश बेरी, इंदर के पिता राजेंद्र लाल परिहार के रूप में, पंडित के रूप में रवि शर्मा, कृष्णा राठौर चौकीदार के रूप में आलोक पांडे, रुशद राणा डॉक्टर के रूप में, कास्टिंग डायरेक्टर के रूप में गिरधर स्वामी, गीत संगीत सनम तेरी कसम द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम हिमेश रेशमिया, 7 जनवरी 2016 रिकॉर्डेड 2015, शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक लंबाई 44:16, लेवल इरोज नाउ, निर्माता हिमेश रेशमिया, हिमेश रेशमिया कालक्रम प्रेम रतन धन पायो 2015, सनम तेरी कसम 2016, तेरा सुरूर 2016, गाने हिमेश रेशमिया ने कंपोज किए थे, गाने के बोल समीर अनजान, शब्बीर अहमद रेशमिया और सुब्रत सिन्हा ने लिखे हैं। शीर्षक ट्रैक 22 दिसंबर 2015 को जारी किया गया था और पूरा एल्बम 7 जनवरी 2016 को जारी किया गया था। सारा संगीत हिमेश रेशमिया द्वारा रचित है। गाना नंबर 1 सनम तेरी कसम, इस गाने के बोल समीर अनजान ने लिखे हैं और गायकार अंकित तिवारी और पलक मुच्छल हैं। गाना नंबर 2 खींच मेरी फ़ोटो, इस गाने के बोल लिखे हैं समीर अनजान ने और इस गाने के गायकार दर्शन रावल, नीति मोहन और अकाशा सिंह हैं। गाना नंबर 3 बेवजह, इस गाने के बोल लिखे हैं समीर अनजान ने और इस गाने के गायकार हिमेश रेशमिया हैं। गाना नंबर 4 तेरा चेहरा, इस गाने के बोल शब्बीर अहमद ने लिखे हैं और इस गाने को अरिजीत सिंह ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 5 हाले दिल पुरुष, इस गाने के बोल समीर अनजान ने लिखे हैं और गायकार श्री राम हैं। गाना नंबर 6 हाले दिल महिला, इस गाने के बोल समीर अनजान ने लिखे हैं और गायकार नीति मोहन हैं। गाना नंबर 7 एक नंबर, इस गाने के बोल हिमेश रेशमिया ने लिखे हैं और इस गाने के गायकार हिमेश रेशमिया और नीति मोहन हैं। गाना नंबर 8 मैं तेरी यादों में, इस गाने के बोल सुब्रत सिन्हा ने लिखे हैं, इस गाने के गायकार अरिजीत सिंह हैं। गाना नंबर 9 सनम तेरी कसम आश्चर्य, इस गाने के बोल समीर अनजान ने लिखे हैं और गाने के गायकार मोहम्मद इरफान अली और पलक मुच्छल हैं। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको सनम तेरी कसम मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूं आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। सनम तेरी कसम 2016 फिल्म। सनम तेरी कसम 2016 की एक भारतीय रोमांटिक ट्रेजेडी फिल्म है जिसका निर्देशन राधिका रॉय बिना सप्रू की जोड़ी ने किया है और दीपक मुकुट द्वारा निर्मित है। इसमें हर्षवर्धन राणे और मावरा होकेन प्रमुख भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म एरिक सैगल के उपन्यास लव स्टोरी का आधुनिक संस्करण है। फिल्म में जब सरस्वती के पिता उसे घर से बाहर निकाल देते हैं तो इंदर सभी बाधाओं के खिलाफ उसके साथ खड़ा होता है और यह उन्हें एक दूसरे के करीब लाता है। हालांकि उन्हें अलग करने के लिए नियति की अपनी योजनाएँ हैं। निर्देशक राधिका राय बिना सप्रू द्वारा लिखित, राधिका राय बिना सप्रू द्वारा निर्मित, दीपक मुकुट अभिनीत, हर्षवर्धन राणे, मावरा होकेन, सिद्धांत घेगड़मल छायांकन, चिरंतन दास संगीत दिया, हिमेश रेशमिया, उत्पादन कंपनियां झूम झूम प्रोडक्शंस, सोहम रॉक स्टार प्रोडक्शंस द्वारा वितरित, हीरोज इंटरनेशनल। रिलीज की तारीख 5 फरवरी 2016, भारत, कार्यकारी समय 154 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 25 करोड़ US डॉलर, 3.1 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 56 करोड़ US डॉलर, 7.0 मिलियन। यह फिल्म हीरोज इंटरनेशनल के तहत 5 फरवरी 2016 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। फिल्म ने 56 करोड़ US डॉलर, 7.0 मिलियन से अधिक की कमाई की। भूखंड 1 केस जीतने के बाद लोगों और मीडिया की भारी भीड़ वकील इंदर लाल परिहार को बधाई देती है। बाद में वह शैंपेन की एक बोतल खरीदता है और एक फ्लैशबैक के रूप में एक पेड़ का सामना
करने के लिए घर लौटता है। सरस्वती स्वरूप पार्थ सारथी एक बेहद पारंपरिक तेलुगु युवा लाइब्रेरियन है, जिन्हें कई शूटर्स द्वारा खारिज किया कर दिया जाता है, जो उन्हें पुराने जमाने और अप्रिय पाते हैं। उसकी छोटी बहन कावेरी की मंगेतर ने उसे एक महीने के भीतर उसे शादी करने का अल्टीमेटम जारी किया या फिर आगे बढ़ गई, लेकिन उसके सत पिता जयराम पार्थ सारथी का कहना है कि उसकी शादी तब तक नहीं हो सकती जब तक शुरू की शादी नहीं हो जाती। क्रोधित होकर कावेरी ने उसका अपमान किया और भाग जाने की धमकी दी। शुरू ने उसे भागने और जयराम को चोट न पहुंचाने की भीख मांगी और कावेरी से वादा किया कि वह जल्द ही एक पति ढूंढ लेगी। उसी इमारत में रहने वाले इंदर फिर एक सुंदर पूर्व अपराधी जो प्रसिद्ध फैशनिस्टा स्टाइलिश रूबी मल्होत्रा के साथ रिश्ते में हैं। जयराम उन्हें समाज के लिए एक बुरे प्रभाव के रूप में देखते हैं क्योंकि वह उन्हें शर्मनाक पाते हैं। हालांकि कुछ दिनों बाद उनका ब्रेकअप हो जाता है। जब सरू के माता पिता शहर से बाहर होते हैं तो सरू चुपके से इंदर से मिलता है और रूबी से मेकओवर अपॉइंटमेंट लेने के लिए मदद मांगता है। वह अपने ऑफिस क्रश अभिमन्यु शास्त्री को प्रभावित करना चाहती है, जिनके पास IIT में डिग्री है। उनकी बातचीत के दौरान एक शराबी रूबी अंदर आती है और इंदर को धोखा देने का अनुमान लगाती है। गुस्से में वह शरू का अपमान करती है और अपनी शराबी बोतल शरू पर फेंक देती है और चली जाती है, लेकिन इंदर उसे ढाल देता है और बुरी तरह घायल हो जाता है। शरू इंदर को उसके बिस्तर तक ले जाने में मदद करता है, जबकि चौकीदार इंदर के अपार्टमेंट के पास पहुंचता है और उन्हें अतरंग स्थिति में गलत समझकर समाज के सभी बुजुर्गों को सचेत करता है। अनजान शरू इंदर की अनिच्छा के बावजूद उसके घाव को ठीक करने में मदद करता है। जयराम अपनी यात्रा से जल्दी लौट आता है। वह और बड़ों ने शरू को अपने बिस्तर पर इंदर के साथ पाया, स्थिति को बुरी तरह से गलत समझा, जबकि जयराम ने उसे छोड़ दिया। शरू अपनी माँ अरुंधति को बताता है कि उस रात वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन उससे जयराम को ना बताने के लिए कहता है क्योंकि उसने आखिरकार कावेरी की शादी के लिए सहमति दे दी थी। इंदर उसे एक अपार्टमेंट खोजने में मदद करता है और एक स्थानीय हेयर ड्रेसर मुस्तकीन की मदद से उसका मेकओवर भी करवाता है। अपने नए मेकओवर के साथ वह अभिमन्यु का ध्यान खींचती है। इस बीच इंदर को उससे प्यार हो जाता है, लेकिन जब अभिमन्यु उसे प्रपोज करता है तो वह चुप रहता है क्योंकि वह चाहता है कि वह खुश रहे। हालांकि अभिमन्यु ने शादी के दिन उसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि उसके पिता एक बदनाम बहू नहीं चाहते थे। शरू का दिल टूट गया और वह अपने हनीमून स्वीट में चली गई। वहाँ से शरू और इंदर एक साथ रात बिताते हैं। अगली सुबह इंदर शरू को अभिमन्यु को गले लगाते हुए देखता है और दिल टूट जाता है। शरू के साथ सभी संपर्कों को तोड़ते हुए इंदर अवसाद में आ जाता है। जब उसे अभिमन्यु से पता चलता है कि शरू ने वास्तव में अभिमन्यु के दूसरे मौके के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था, तो वह उसे ट्रैक करता है और उसे एक बौद्ध मठ में पाता है, जहां वह उससे अपने प्यार का इजहार करता है। शरू बेहोश हो जाता है और इंदर उसे अस्पताल ले जाता है, जहां उसे पता चलता है कि वह पीड़ित है। मस्तिका वर्णावर्द और जीने के लिए बहुत कम दिन होते हैं। जब जबरन शरू के माता पिता के घर में घुस जाता है और उनसे मांग करता है कि वे अपनी बेटी के मरने का नाटक करना बंद करें। अगले दिन उसे जयराम द्वारा लगाए गए आरोपों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। शरू डिस्चार्ज हो जाता है और लाइब्रेरी जाता है, जहां उसे चेकआउट पर्चियों में इंदर द्वारा उसके लिए छोड़े गए गुप्त संदेशों का पता चलता है। यह महसूस करते हुए कि वह शुरू से ही उसे प्यार करता है, दोनों एकजुट हो जाते हैं और शुरू इंदर से उसे शादी करने के लिए कहता है। उस रात शरू उसे बताती है कि उसकी मृत्यु के बाद वह एक खूबसूरत फूल वाले पेड़ के नीचे दफन होना चाहती है। इंदर जयराम से मिलता है और उसे बताता है कि वह शरू से शादी कर रहा है और उसके लिए मर भी सकता है। अपनी शादी के दिन शरू के माता पिता आते हैं और उनकी शादी को स्वीकार करते हैं। शादी के बाद शरू बेहोश हो जाता है और अस्पताल में भर्ती हो जाता है। उसके माता पिता को उसकी बीमारी के बारे में पता चलता है और जयराम दिल टूटने और दोषी महसूस करता है। इंदर अपने पिता राजेंद्र लाल परिहार से पूछता है, जिसके साथ उसका एक तनावपूर्ण रिश्ता है। उसके लिए शरू को दफनाने के लिए पेड़ के नीचे ज़मीन हासिल करने के लिए शरू इंदर की बाहों में मर जाता है और इंदर का दिल टूट जाता है। इंदर राजेंद्र को अस्पताल में पाता है और उसके साथ सुलह करता है।
अब एक सफल वकील इंदर उस पेड़ के पास खड़ा है जो स्वरू की कब्र को चिन्हित करता है। वह दावा करता है कि उसे सफल और शांत देखकर खुश होना चाहिए। वह कहता है कि वह उसे याद करता है और शाश्वत सच्चे प्यार का वादा करता है। फेकना हर्षवर्धन राय ने इंदर परिहार के रूप में सरस्वती स्वरू पार्थ सारथी ऑब्लिक सरस्वती इंदर परिहार के रूप में मावरा होकेन सिद्धांत खेक डमल अमित के रूप में मनीष चौधरी जयराम पार्थ सारथी स्वरू के पिता के रूप में प्यूमोरी मेहता अरुंधति पार्थ सारथी के रूप में दिव्यता सिंह कावेरी पार्थ सारथी स्वरू की बहन के रूप में अभिमन्यु शास्त्री स्वरू के दोस्त और बाद में मंगेतर के रूप में अनुराग सिन्हा मुरली शर्मा इंस्पेक्टर हरी निकम के रूप में श्रद्धा दास रूबी मल्होत्रा के रूप में मुस्तकीन भाई के रूप में विजयराज सुदेश बेरी इंदर के पिता राजेंद्र लाल परिहार के रूप में पंडित के रूप में रवि शर्मा कृष्णा राठौर चौकीदार के रूप में आलोक पांडे रुशद राणा डॉक्टर के रूप में कास्टिंग डायरेक्टर के रूप में गिरधर स्वामी गीत संगीत सनम तेरी कसम द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम हिमेश रेशमिया मुक्त 7 जनवरी 2016 रिकॉर्डेड 2015 शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक लंबाई 44:16 लेवल इरोज नाउ निर्माता हिमेश रेशमिया कालक्रम प्रेम रतन धन पायो 2015 सनम तेरी कसम 2016 तेरा सुरूर 2016 गाने हिमेश रेशमिया ने कंपोज किए थे। गाने के बोल समीर अनजान शब्बीर अहमद रेशमिया और सुब्रत सिन्हा ने लिखे हैं। शीर्षक ट्रैक 22 दिसंबर 2015 को जारी किया गया था और पूरा एल्बम 7 जनवरी 2016 को जारी किया गया था। सारा संगीत हिमेश रेशमिया द्वारा रचित है। गाना नंबर 1 सनम तेरी कसम इस गाने के बोल समीर अनजान ने लिखे हैं और गायकार अंकित तिवारी और पलक मुच्छल हैं। गाना नंबर 2 खींच मेरी फ़ोटो इस गाने के बोल लिखे हैं समीर अनजान ने और इस गाने के गायकार दर्शन रावल नीति मोहन और अकाशा सिंह हैं। गाना नंबर 3 बेवजह इस गाने के बोल लिखे हैं समीर अनजान ने और इस गाने के गायकार हिमेश रेशमिया हैं। गाना नंबर 4 तेरा चेहरा इस गाने के बोल शब्बीर अहमद ने लिखे हैं और इस गाने को अरिजीत सिंह ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 5 हाले दिल पुरुष इस गाने के बोल समीर अनजान ने लिखे हैं और गायकार श्री राम हैं। गाना नंबर 6 हाले दिल महिला इस गाने के बोल समीर अनजान ने लिखे हैं और गायकार नीति मोहन हैं। गाना नंबर 7 एक नंबर इस गाने के बोल हिमेश रेशमिया ने लिखे हैं और इस गाने के गायकार हिमेश रेशमिया और नीति मोहन हैं। गाना नंबर 8 मैं तेरी यादों में इस गाने के बोल सुब्रत सिन्हा ने लिखे हैं इस गाने के गायकार अरिजीत सिंह हैं। गाना नंबर 9 सनम तेरी कसम आश्चर्य इस गाने के बोल समीर अनजान ने लिखे हैं और गाने के गायकार मोहम्मद इरफान अली और पलक मुच्छल हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको सनम तेरी कसम मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। सनम तेरी कसम 2016 फिल्म सनम तेरी कसम 2016 की एक भारतीय रोमांटिक ट्रेजेडी फिल्म है जिसका निर्देशन राधिका रॉय बिना सप्रू की जोड़ी ने किया है और दीपक मुकुट द्वारा निर्मित है। इसमें हर्षवर्धन राणे और मावरा होकेन प्रमुख भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म एरिक सैगल के उपन्यास लव स्टोरी का आधुनिक संस्करण है। फिल्म में जब सरस्वती के पिता उसे घर से बाहर निकाल देते हैं तो इंदर सभी बाधाओं के खिलाफ उसके साथ खड़ा होता है और यह उन्हें एक दूसरे के करीब लाता है। हालांकि उन्हें अलग करने के लिए नियति की अपनी योजनाएँ हैं। निर्देशक राधिका राय विनय सप्रू द्वारा लिखित राधिका राय विनय सप्रू द्वारा निर्मित दीपक मुकुट अभिनीत हर्षवर्धन राणे मावरा होकेन सिद्धांत घेगड़मल छायांकन चिरंतन दास
संगीत दिया हिमेश रेशमिया, उत्पादन कंपनियां झूम झूम प्रोडक्शंस, सोहम, रॉकी स्टार प्रोडक्शंस द्वारा वितरित हीरोज इंटरनेशनल। रिलीज की तारीख 5 फरवरी 2016। भारत, कार्यकारी समय 154 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। बजट 25 करोड़ US डॉलर, 3.1 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 56 करोड़ US डॉलर, 7.0 मिलियन। यह फिल्म हीरोज इंटरनेशनल के तहत 5 फरवरी 2016 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। फिल्म ने 56 करोड़ US डॉलर, 7.0 मिलियन से अधिक की कमाई की। भूखंड, एक केस जीतने के बाद लोगों और मीडिया की भारी भीड़ वकील इंदरलाल परिहार को बधाई देती है। बाद में वह शैंपेन की एक बोतल खरीदता है और एक फ्लैशबैक के रूप में एक पेड़ का सामना करने के लिए घर लौटता है। सरस्वती स्वरूप पार्थ सारथी एक बेहद पारंपरिक तेलुगु युवा लाइब्रेरियन है, जिन्हें कई शूटर्स द्वारा खारिज किया कर दिया जाता है, जो उन्हें पुराने जमाने और अप्रिय पाते हैं। उसकी छोटी बहन कावेरी की मंगेतर ने उसे एक महीने के भीतर उससे शादी करने का अल्टीमेटम जारी किया। यह फिर आगे बढ़ गई, लेकिन उसके सत पिता जयराम पार्थ सारथी का कहना है कि उसकी शादी तब तक नहीं हो सकती जब तक शुरू की शादी नहीं हो जाती। क्रोधित होकर कावेरी ने उसका अपमान किया और भाग जाने की धमकी दी। शुरू ने उसे भागने और जयराम को चोट न पहुंचाने की भीख मांगी और कावेरी से वादा किया कि वह जल्द ही एक पति ढूंढ लेगी। उसी इमारत में रहने वाले इंदर फिर एक सुंदर पूर्व अपराधी जो प्रसिद्ध फैशनिस्टा स्टाइलिश रूबी मल्होत्रा के साथ रिश्ते में है। जयराम उन्हें समाज के लिए एक बुरे प्रभाव के रूप में देखते हैं क्योंकि वह उन्हें शर्मनाक पाते हैं। हालांकि कुछ दिनों बाद उनका ब्रेकअप हो जाता है। जब सरू के माता पिता शहर से बाहर होते हैं तो सरू चुपके से इंदर से मिलता है और रूबी से मेकओवर अपॉइंटमेंट लेने के लिए मदद मांगता है। वह अपने ऑफिस क्रश अभिमन्यु शास्त्री को प्रभावित करना चाहती है, जिनके पास IIT में डिग्री है। उनकी बातचीत के दौरान एक शराबी रूबी अंदर आती है और इंदर को धोखा देने का अनुमान लगाती है। गुस्से में वह शरू का अपमान करती है और अपनी शराब की बोतल शरू पर फेंक देती है और चली जाती है, लेकिन इंदर उसे ढाल देता है और बुरी तरह घायल हो जाता है। शरू इंदर को उसके बिस्तर तक ले जाने में मदद करता है, जबकि चौकीदार इंदर के अपार्टमेंट के पास पहुंचता है और उन्हें अतरंग स्थिति में गलत समझकर समाज के सभी बुजुर्गों को सचेत करता है। अनजान शरू इंदर की अनिच्छा के बावजूद उसके घाव को ठीक करने में मदद करता है। जयराम अपनी यात्रा से जल्दी लौट आता है। वह और बड़ों ने शरू को अपने बिस्तर पर इंदर के साथ पाया। स्थिति को बुरी तरह से गलत समझा, जबकि जयराम ने उसे छोड़ दिया। शरू अपनी माँ अरुंधति को बताता है कि उस रात वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन उससे जयराम को ना बताने के लिए कहता है क्योंकि उसने आखिरकार कावेरी की शादी के लिए सहमति दे दी थी। इंदर उसे एक अपार्टमेंट खोजने में मदद करता है और एक स्थानीय हेयर ड्रेसर मुस्तकीन की मदद से उसका मेकओवर भी करवाता है। अपने नए मेकओवर के साथ वह अभिमन्यु का ध्यान खींचती है। इस बीच इंदर को उससे प्यार हो जाता है, लेकिन जब अभिमन्यु उसे प्रपोज करता है तो वह चुप रहता है क्योंकि वह चाहता है कि वह खुश रहे। हालांकि अभिमन्यु ने शादी के दिन उसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि उसके पिता एक बदनाम बहू नहीं चाहते थे। शरू का दिल टूट गया और वह अपने हनीमून स्वीट में चली गई। वहाँ से शरू और इंदर एक साथ रात बिताते हैं। अगली सुबह इंदर शरू को अभिमन्यु को गले लगाते हुए देखता है और दिल टूट जाता है। शरू के साथ सभी संपर्कों को तोड़ते हुए इंदर अवसाद में आ जाता है। जब उसे अभिमन्यु से पता चलता है कि शरू ने वास्तव में अभिमन्यु के दूसरे मौके के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था, तो वह उसे ट्रैक करता है और उसे एक बौद्ध मठ में पाता है, जहाँ वह उससे अपने प्यार का इजहार करता है। शरू बेहोश हो जाता है और इंदर उसे अस्पताल ले जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वह पीड़ित है। मस्तिका वर्णावर्द और जीने के लिए बहुत कम दिन होते हैं। जब जबरन शरू के माता पिता के घर में घुस जाता है और उनसे मांग करता है कि वे अपनी बेटी के मरने का नाटक करना बंद करें। अगले दिन उसे जयराम द्वारा लगाए गए आरोपों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। शरू डिस्चार्ज हो जाता है और लाइब्रेरी जाता है, जहाँ उसे चेकआउट पर्चियों में इंदर द्वारा उसके लिए छोड़े गए गुप्त संदेशों का पता चलता है। यह महसूस करते हुए कि वह शुरू से ही उसे प्यार करता है, दोनों एकजुट हो जाते हैं और शुरू इंदर से
उसे शादी करने के लिए कहता है। उस रात शरू उसे बताती है कि उसकी मृत्यु के बाद वह एक खूबसूरत फूल वाले पेड़ के नीचे दफन होना चाहती है। इंदर जयराम से मिलता है और उसे बताता है कि वह शरू से शादी कर रहा है और उसके लिए मर भी सकता है। अपनी शादी के दिन शरू के माता पिता आते हैं और उनकी शादी को स्वीकार करते हैं। शादी के बाद शरू बेहोश हो जाता है और अस्पताल में भर्ती हो जाता है। उसके माता पिता को उसकी बीमारी के बारे में पता चलता है और जयराम दिल टूट रहे हैं और दोषी महसूस करता है। इंदर अपने पिता राजेंद्र लाल परियार से पूछता है, जिसके साथ उसका एक तनावपूर्ण रिश्ता है। उसके लिए शरू को दफनाने के लिए पेड़ के नीचे ज़मीन हासिल करने के लिए शरू इंदर की बाहों में मर जाता है और इंदर का दिल टूट जाता है। इंदर राजेंद्र को अस्पताल में पाता है और उसके साथ सुलह करता है। अब एक सफल वकील इंदर उस पेड़ के पास खड़ा है जो शरू की कब्र को चिन्हित करता है। वह दावा करता है कि उसे सफल और शांत देखकर खुश होना चाहिए। वह कहता है कि वह उसे याद करता है और शाश्वत सच्चे प्यार का वादा करता है। फेकना हर्षवर्धन राणे इंदर परिहार के रूप में, सरस्वती शरू पार्थ सारथी ऑब्लिक सरस्वती इंदर परिहार के रूप में, मावरा होकेन सिद्धांत खेक डमल अमित के रूप में, मनीष चौधरी जयराम पार्थ सारथी शरू के पिता के रूप में, प्यू मोरी मेहता अरुंधति पार्थ सारथी के रूप में, दिव्यता सिंह कावेरी पार्थ सारथी शरू की बहन के रूप में, अभिमन्यु शास्त्री शरू के दोस्त और बाद में मंगेतर के रूप में, अनुराग सिन्हा मुरली शर्मा इंस्पेक्टर हरि निकम के रूप में, श्रद्धा दास रूबी मल्होत्रा के रूप में, मुस्तकीन भाई के रूप में, विजयराज सुदेश बेरी इंदर के पिता राजेंद्र लाल परिहार के रूप में, पंडित के रूप में रवि शर्मा, कृष्णा राठौर चौकीदार के रूप में, आलोक पांडे रुशद राणा डॉक्टर के रूप में, कास्टिंग डायरेक्टर के रूप में गिरधर स्वामी, गीत संगीत सनम तेरी कसम द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम हिमेश रेशमिया, मुख 7 जनवरी 2016 रिकॉर्डेड 2015, शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक लंबाई 44:16, लेवल इरोज नाउ निर्माता हिमेश रेशमिया, हिमेश रेशमिया कालक्रम प्रेम रतन धन पायो 2015, सनम तेरी कसम 2016, तेरा सुरूर 2016, गाने हिमेश रेशमिया ने कंपोज किए थे। गाने के बोल समीर अनजान शब्बीर अहमद रेशमिया और सुब्रत सिन्हा ने लिखे हैं। शीर्षक ट्रैक 22 दिसंबर 2015 को जारी किया गया था और पूरा एल्बम 7 जनवरी 2016 को जारी किया गया था। सारा संगीत हिमेश रेशमिया द्वारा रचित है। गाना नंबर 1 सनम तेरी कसम, इस गाने के बोल समीर अनजान ने लिखे हैं और गायकार अंकित तिवारी और पलक मुच्छल हैं। गाना नंबर 2 खींच मेरी फ़ोटो, इस गाने के बोल लिखे हैं समीर अनजान ने और इस गाने के गायकार दर्शन रावल नीति मोहन और अकाशा सिंह हैं। गाना नंबर 3 बेवजह, इस गाने के बोल लिखे हैं समीर अनजान ने और इस गाने के गायकार हिमेश रेशमिया हैं। गाना नंबर 4 तेरा चेहरा, इस गाने के बोल शब्बीर अहमद ने लिखे हैं और इस गाने को अरिजीत सिंह ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 5 हाले दिल पुरुष, इस गाने के बोल समीर अनजान ने लिखे हैं और गायकार श्री राम हैं। गाना नंबर 6 हाले दिल महिला, इस गाने के बोल समीर अनजान ने लिखे हैं और गायकार नीति मोहन हैं। गाना नंबर 7 एक नंबर, इस गाने के बोल हिमेश रेशमिया ने लिखे हैं और इस गाने के गायकार हिमेश रेशमिया और नीति मोहन हैं। गाना नंबर 8 मैं तेरी यादों में, इस गाने के बोल सुब्रत सिन्हा ने लिखे हैं, इस गाने के गायकार अरिजीत सिंह हैं। गाना नंबर 9 सनम तेरी कसम आश्चर्य, इस गाने के बोल समीर अनजान ने लिखे हैं और गाने के गायकार मोहम्मद इरफान अली और पलक मुच्छल हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको सनम तेरी कसम मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। सनम तेरी कसम 2016 फिल्म। सनम तेरी कसम
2016 की एक भारतीय रोमांटिक ट्रेजेडी फिल्म है जिसका निर्देशन राधिका रॉय बिना सप्रू की जोड़ी ने किया है और दीपक मुकुट द्वारा निर्मित है। इसमें हर्षवर्धन राणे और मावरा होकेन प्रमुख भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म एरिक सैगल के उपन्यास लव स्टोरी का आधुनिक संस्करण है। फिल्म में जब सरस्वती के पिता उसे घर से बाहर निकाल देते हैं तो इंदर सभी बाधाओं के खिलाफ उसके साथ खड़ा होता है और यह उन्हें एक दूसरे के करीब लाता है। हालांकि उन्हें अलग करने के लिए नियति की अपनी योजनाएं हैं। निर्देशक राधिका राय बिना सप्रू द्वारा लिखित राधिका राय बिना सप्रू द्वारा निर्मित दीपक मुकुट अभिनीत हर्षवर्धन राणे मावरा होकेन सिद्धांत घेगड़मल छायांकन चिरंतन दास संगीत यामेश रेशमिया उत्पादन कंपनियां झूम झूम प्रोडक्शंस सोहम रॉक स्टार प्रोडक्शंस द्वारा वितरित इरोज इंटरनेशनल रिलीज की तारीख 5 फरवरी 2016 भारत कार्यकारी समय 154 मिनट देश भारत भाषा हिंदी बजट 25 करोड़ US डॉलर 3.1 मिलियन बॉक्स ऑफिस 56 करोड़ US डॉलर 7.0 मिलियन। यह फिल्म हीरोज इंटरनेशनल के तहत 5 फरवरी 2016 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। फिल्म ने 56 करोड़ US डॉलर 7.0 मिलियन से अधिक की कमाई की। भूखंड एक केस जीतने के बाद लोगों और मीडिया की भारी भीड़ वकील इंदरलाल परिहार को बधाई देती है। बाद में वह शैंपेन की एक बोतल खरीदता है और एक फ्लैशबैक के रूप में एक पेड़ का सामना करने के लिए घर लौटता है। सरस्वती स्वरूप पार्थ सारथी एक बेहद पारंपरिक तेलुगु युवा लाइब्रेरियन है जिन्हें कई शूटर्स द्वारा खारिज किया कर दिया जाता है जो उन्हें पुराने जमाने और अप्रिय पाते हैं। उसकी छोटी बहन कावेरी की मंगेतर ने उसे एक महीने के भीतर उससे शादी करने का अल्टीमेटम जारी किया या फिर आगे बढ़ गई, लेकिन उसके सत पिता जयराम पार्थ सारथी का कहना है कि उसकी शादी तब तक नहीं हो सकती जब तक शुरू की शादी नहीं हो जाती। क्रोधित होकर कावेरी ने उसका अपमान किया और भाग जाने की धमकी दी। शुरू ने उसे भागने और जयराम को चोट न पहुंचाने की भीख मांगी और कावेरी से वादा किया कि वह जल्द ही एक पति ढूंढ लेगी। उसी इमारत में रहने वाले इंदर फिर एक सुंदर पूर्व अपराधी जो प्रसिद्ध फैशनिस्टा स्टाइलिश रूबी मल्होत्रा के साथ रिश्ते में है। जयराम उन्हें समाज के लिए एक बुरे प्रभाव के रूप में देखते हैं क्योंकि वह उन्हें शर्मनाक पाते हैं। हालांकि कुछ दिनों बाद उनका ब्रेकअप हो जाता है। जब सरू के माता पिता शहर से बाहर होते हैं तो सरू चुपके से इंदर से मिलता है और रूबी से मेकओवर अपॉइंटमेंट लेने के लिए मदद मांगता है। वह अपने ऑफिस क्रश अभिमन्यु शास्त्री को प्रभावित करना चाहती है जिनके पास IIT में डिग्री है। उनकी बातचीत के दौरान एक शराबी रूबी अंदर आती है और इंदर को धोखा देने का अनुमान लगाती है। गुस्से में वह शरू का अपमान करती है और अपनी शराब की बोतल शरू पर फेंक देती है और चली जाती है, लेकिन इंदर उसे ढाल देता है और बुरी तरह घायल हो जाता है। शरू इंदर को उसके बिस्तर तक ले जाने में मदद करता है जबकि चौकीदार इंदर के अपार्टमेंट के पास पहुंचता है और उन्हें अतरंग स्थिति में गलत समझकर समाज के सभी बुजुर्गों को सचेत करता है। अनजान शरू इंदर की अनिच्छा के बावजूद उसके घाव को ठीक करने में मदद करता है। जयराम अपनी यात्रा से जल्दी लौट आता है। वह और बड़ों ने शरू को अपने बिस्तर पर इंदर के साथ पाया। स्थिति को बुरी तरह से गलत समझा जबकि जयराम ने उसे छोड़ दिया। शरू अपनी माँ अरुंधति को बताता है कि उस रात वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन उससे जयराम को ना बताने के लिए कहता है क्योंकि उसने आखिरकार कावेरी की शादी के लिए सहमति दे दी थी। इंदर उसे एक अपार्टमेंट खोजने में मदद करता है और एक स्थानीय हेयर ड्रेसर मुस्तकीन की मदद से उसका मेकओवर भी करवाता है। अपने नए मेकओवर के साथ वह अभिमन्यु का ध्यान खींचती है। इस बीच इंदर को उससे प्यार हो जाता है, लेकिन जब अभिमन्यु उसे प्रपोज करता है तो वह चुप रहता है क्योंकि वह चाहता है कि वह खुश रहे। हालांकि अभिमन्यु ने शादी के दिन उसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि उसके पिता एक बदनाम बहू नहीं चाहते थे। शरू का दिल टूट गया और वह अपने हनीमून स्वीट में चली गई। वहाँ से शरू और इंदर एक साथ रात बिताते हैं। अगली सुबह इंदर शरू को अभिमन्यु को गले लगाते हुए देखता है और दिल टूट जाता है। शरू के साथ सभी संपर्कों को तोड़ते हुए इंदर अवसाद में आ जाता है जब उसे अभिमन्यु से पता चलता है कि शरू ने वास्तव में अभिमन्यु के दूसरे मौके के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। तो वह उसे ट्रैक करता है और उसे एक
बौद्ध मठ में पाता है, जहाँ वह उससे अपने प्यार का इजहार करता है। शरू बेहोश हो जाता है और इंदर उसे अस्पताल ले जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वह पीड़ित है। मस्तिका वर्णलाबुर्द और जीने के लिए बहुत कम दिन होते हैं, जब जबरन वह जबरन शरू के माता पिता के घर में घुस जाता है और उनसे मांग करता है कि वे अपनी बेटी के मरने का नाटक करना बंद करें। अगले दिन उसे जयराम द्वारा लगाए गए आरोपों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। शरू डिस्चार्ज हो जाता है और लाइब्रेरी जाता है, जहाँ उसे चेकआउट पर्चियों में इंदर द्वारा उसके लिए छोड़े गए गुप्त संदेशों का पता चलता है। यह महसूस करते हुए कि वह शुरू से ही उसे प्यार करता है, दोनों एकजुट हो जाते हैं और शुरू इंदर से उसे शादी करने के लिए कहता है। उस रात शरू उसे बताती है कि उसकी मृत्यु के बाद वह एक खूबसूरत फूल वाले पेड़ के नीचे दफन होना चाहती है। इंदर जयराम से मिलता है और उसे बताता है कि वह शरू से शादी कर रहा है और उसके लिए मर भी सकता है। अपनी शादी के दिन शरू के माता पिता आते हैं और उनकी शादी को स्वीकार करते हैं। शादी के बाद शरू बेहोश हो जाता है और अस्पताल में भर्ती हो जाता है। उसके माता पिता को उसकी बीमारी के बारे में पता चलता है और जयराम दिल टूट रहे हैं और दोषी महसूस करता है। इंदर अपने पिता राजेंद्र लाल परिहार से पूछता है, जिसके साथ उसका एक तनावपूर्ण रिश्ता है। उसके लिए शरू को दफनाने के लिए पेड़ के नीचे ज़मीन हासिल करने के लिए शरू इंदर की बाहों में मर जाता है और इंदर का दिल टूट जाता है। इंदर राजेंद्र को अस्पताल में पाता है और उसके साथ सुलह करता है। अब एक सफल वकील इंदर उस पेड़ के पास खड़ा है जो शरू की कब्र को चिन्हित करता है। वह दावा करता है कि उसे सफल और शांत देखकर खुश होना चाहिए। वह कहता है कि वह उसे याद करता है और शाश्वत सच्चे प्यार का वादा करता है। फेकना हर्षवर्धन राणे इंदर परिहार के रूप में, सरस्वती शरू पार्थ सारथी पब्लिक सरस्वती इंदर परिहार के रूप में, मावरा होकेन सिद्धांत खेक डमल अमित के रूप में, मनीष चौधरी जयराम पार्थ सारथी शरू के पिता के रूप में, प्यू मोहरी मेहता अरुंधति पार्थ सारथी के रूप में, दिव्यता सिंह कावेरी पार्थ सारथी शरू की बहन के रूप में, अभिमन्यु शास्त्री शरू के दोस्त और बाद में मंगेतर के रूप में, अनुराग सिन्हा मुरली शर्मा इंस्पेक्टर हरी निकम के रूप में, श्रद्धा दास रूबी मल्होत्रा के रूप में, मुस्तकीन भाई के रूप में, विजयराज सुदेश बेरी इंदर के पिता राजेंद्र लाल परिहार के रूप में, पंडित के रूप में रवि शर्मा, कृष्णा राठौर चौकीदार के रूप में, आलोक पांडे रुशद राणा डॉक्टर के रूप में, कास्टिंग डायरेक्टर के रूप में गिरधर स्वामी, गीत संगीत सनम तेरी कसम द्वारा साउंडट्रैक एल्बम हिमेश रेशमिया, मुख 7 जनवरी 2016 रिकॉर्डेड 2015, शैली फीचर फिल्म साउंडट्रैक लंबाई 44:16 लेवल इरोज नाउ, निर्माता हिमेश रेशमिया, हिमेश रेशमिया कालक्रम प्रेम रतन धन पायो 2015, सनम तेरी कसम 2016, तेरा सुरूर 2016। गाने हिमेश रेशमिया ने कंपोज किए थे। गाने के बोल समीर अनजान, शब्बीर अहमद रेशमिया और सुब्रत सिन्हा ने लिखे हैं। शीर्षक ट्रैक 22 दिसंबर 2015 को जारी किया गया था और पूरा एल्बम 7 जनवरी 2016 को जारी किया गया था। सारा संगीत हिमेश रेशमिया द्वारा रचित है। गाना नंबर 1 सनम तेरी कसम, इस गाने के बोल समीर अनजान ने लिखे हैं और गायकार अंकित तिवारी और पलक मुच्छल हैं। गाना नंबर 2 खींच मेरी फ़ोटो, इस गाने के बोल लिखे हैं समीर अनजान ने और इस गाने के गायकार दर्शन रावल, नीति मोहन और अकाशा सिंह हैं। गाना नंबर 3 बेवजह, इस गाने के बोल लिखे हैं समीर अनजान ने और इस गाने के गायकार हिमेश रेशमिया हैं। गाना नंबर 4 तेरा चेहरा, इस गाने के बोल शब्बीर अहमद ने लिखे हैं और इस गाने को अरिजीत सिंह ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 5 हाले दिल पुरुष, इस गाने के बोल समीर अनजान ने लिखे हैं और गायकार श्री राम हैं। गाना नंबर 6 हाले दिल पहला, इस गाने के बोल समीर अनजान ने लिखे हैं और गायकार नीति मोहन हैं। गाना नंबर 7 एक नंबर, इस गाने के बोल हिमेश रेशमिया ने लिखे हैं और इस गाने के गायकार हिमेश रेशमिया और नीति मोहन हैं। गाना नंबर 8 मैं तेरी यादों में, इस गाने के बोल सुब्रत सिन्हा ने लिखे हैं, इस गाने के गायकार अरिजीत सिंह हैं। गाना नंबर 9 सनम तेरी कसम आश्चर्य, इस गाने के बोल समीर अनजान ने लिखे हैं और गाने के गायकार मोहम्मद इरफान अली और पलक मुच्छल हैं। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको सनम तेरी कसम मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। सनम तेरी कसम 2016 फिल्म। सनम तेरी कसम 2016 की एक भारतीय रोमांटिक ट्रेजेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन राधिका रॉय बिना सप्रू की जोड़ी ने किया है और दीपक मुकुट द्वारा निर्मित है। इसमें हर्षवर्धन राणे और मावरा होकेन प्रमुख भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म एरिक सैगल के उपन्यास लव स्टोरी का आधुनिक संस्करण है। फिल्म में जब सरस्वती के पिता उसे घर से बाहर निकाल देते हैं तो इंदर सभी बाधाओं के खिलाफ उसके साथ खड़ा होता है और यह उन्हें एक दूसरे के करीब लाता है। हालांकि उन्हें अलग करने के लिए नियति की अपनी योजनाएँ हैं। निर्देशक राधिका राय विनय सप्रू द्वारा लिखित, राधिका राय विनय सप्रू द्वारा निर्मित, दीपक मुकुट अभिनीत, हर्षवर्धन राणे, मावरा होकेन, सिद्धांत घेगड़मल छायांकन, चिरंतन दास संगीत, दिहाई मेश रेशमिया, उत्पादन कंपनियां झूम झूम प्रोडक्शंस, सोहम रॉक स्टार प्रोडक्शंस द्वारा वितरित, हीरोज इंटरनेशनल। रिलीज की तारीख 5 फरवरी 2016। भारत, कार्यकारी समय 154 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। बजट 25 करोड़ US डॉलर, 3.1 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 56 करोड़ US डॉलर, 7.0 मिलियन। यह फिल्म हीरोज इंटरनेशनल के तहत 5 फरवरी 2016 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। फिल्म ने 56 करोड़ US डॉलर, 7.0 मिलियन से अधिक की कमाई की। भूखंड एक केस जीतने के बाद लोगों और मीडिया की भारी भीड़ वकील इंदरलाल परिहार को बधाई देती है। बाद में वह शैंपेन की एक बोतल खरीदता है और एक फ्लैशबैक के रूप में एक पेड़ का सामना करने के लिए घर लौटता है। सरस्वती शरू पार्थ सारथी एक बेहद पारंपरिक तेलुगु युवा लाइब्रेरियन है, जिन्हें कई शूटर्स द्वारा खारिज किया कर दिया जाता है, जो उन्हें पुराने जमाने और अप्रिय पाते हैं। उसकी छोटी बहन कावेरी की मंगेतर ने उसे एक महीने के भीतर उससे शादी करने का अल्टीमेटम जारी किया। यह फिर आगे बढ़ गई, लेकिन उसके सत पिता जयराम पार्थ सारथी का कहना है कि उसकी शादी तब तक नहीं हो सकती जब तक शुरू की शादी नहीं हो जाती। क्रोधित होकर कावेरी ने उसका अपमान किया और भाग जाने की धमकी दी। शरू ने उसे भागने और जयराम को चोट न पहुंचाने की भीख मांगी और कावेरी से वादा किया कि वह जल्द ही एक पति ढूंढ लेगी। उसी इमारत में रहने वाले इंदर फिर एक सुंदर पूर्व अपराधी जो प्रसिद्ध फैशनिस्टा स्टाइलिश रूबी मल्होत्रा के साथ रिश्ते में हैं। जयराम उन्हें समाज के लिए एक बुरे प्रभाव के रूप में देखते हैं क्योंकि वह उन्हें शर्मनाक पाते हैं। हालांकि कुछ दिनों बाद उनका ब्रेकअप हो जाता है। जब सरू के माता पिता शहर से बाहर होते हैं तो सरू चुपके से इंदर से मिलता है और रूबी से मेकओवर अपॉइंटमेंट लेने के लिए मदद मांगता है। वह अपने ऑफिस क्रश अभिमन्यु शास्त्री को प्रभावित करना चाहती है, जिनके पास IIT में डिग्री है। उनकी बातचीत के दौरान एक शराबी रूबी अंदर आती है और इंदर को धोखा देने का अनुमान लगाती है। गुस्से में वह शरू का अपमान करती है और अपनी शराब की बोतल शरू पर फेंक देती है और चली जाती है, लेकिन इंदर उसे ढाल देता है और बुरी तरह घायल हो जाता है। शरू इंदर को उसके बिस्तर तक ले जाने में मदद करता है, जबकि चौकीदार इंदर के अपार्टमेंट के पास पहुंचता है और उन्हें अतरंग स्थिति में गलत समझकर समाज के सभी बुजुर्गों को सचेत करता है। अनजान शरू इंदर की अनिच्छा के बावजूद उसके घाव को ठीक करने में मदद करता है। जयराम अपनी यात्रा से जल्दी लौट आता है। वह और बड़ों ने शरू को अपने बिस्तर पर इंदर के साथ पाया। स्थिति को बुरी तरह से गलत समझा, जबकि जयराम ने उसे छोड़ दिया। शरू अपनी माँ अरुंधति को बताता है कि उस रात वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन उससे जयराम को ना बताने के लिए कहता है क्योंकि उसने आखिरकार कावेरी की शादी के लिए सहमति दे दी थी। इंदर उसे एक अपार्टमेंट खोजने में मदद करता है और एक स्थानीय हेयर ड्रेसर मुस्तकीन की मदद से उसका मेकओवर भी करवाता है। अपने नए मेकओवर के साथ वह अभिमन्यु का ध्यान खींचती है। इस बीच इंदर को उससे प्यार हो जाता है,
लेकिन जब अभिमन्यु उसे प्रपोज करता है तो वह चुप रहता है, क्योंकि वह चाहता है कि वह खुश रहे। हालांकि अभिमन्यु ने शादी के दिन उसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उसके पिता एक बदनाम बहू नहीं चाहते थे। शरू का दिल टूट गया और वह अपने हनीमून स्वीट में चली गई। वहाँ से शरू और इंदर एक साथ रात बिताते हैं। अगली सुबह इंदर शरू को अभिमन्यु को गले लगाते हुए देखता है और दिल टूट जाता है। शरू के साथ सभी संपर्कों को तोड़ते हुए इंदर अवसाद में आ जाता है। जब उसे अभिमन्यु से पता चलता है कि शरू ने वास्तव में अभिमन्यु के दूसरे मौके के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था, तो वह उसे ट्रैक करता है और उसे एक बौद्ध मठ में पाता है, जहां वह उससे अपने प्यार का इजहार करता है। शरू बेहोश हो जाता है और इंदर उसे अस्पताल ले जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वह पीड़ित है। मस्तिका वर्णलावृद्ध और जीने के लिए बहुत कम दिन होते हैं। जब जबरन शरू के माता पिता के घर में घुस जाता है और उनसे मांग करता है कि वे अपनी बेटी के मरने का नाटक करना बंद करें। अगले दिन उसे जयराम द्वारा लगाए गए आरोपों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। शरू डिस्चार्ज हो जाता है और लाइब्रेरी जाता है, जहाँ उसे चेकआउट पर्चियों में इंदर द्वारा उसके लिए छोड़े गए गुप्त संदेशों का पता चलता है। यह महसूस करते हुए कि वह शुरू से ही उसे प्यार करता है, दोनों एकजुट हो जाते हैं और शुरू इंदर से उसे शादी करने के लिए कहता है। उस रात शुरू उसे बताती है कि उसकी मृत्यु के बाद वह एक खूबसूरत फूल वाले पेड़ के नीचे दफन होना चाहती है। इंदर जयराम से मिलता है और उसे बताता है कि वह शुरू से शादी कर रहा है और उसके लिए मर भी सकता है। अपनी शादी के दिन शुरू के माता पिता आते हैं और उनकी शादी को स्वीकार करते हैं। शादी के बाद शुरू बेहोश हो जाता है और अस्पताल में भर्ती हो जाता है। उसके माता पिता को उसकी बीमारी के बारे में पता चलता है और जयराम दिल टूट रहे हैं और दोषी महसूस करता है। इंदर अपने पिता राजेंद्र लाल परियार से पूछता है, जिसके साथ उसका एक तनावपूर्ण रिश्ता है। उसके लिए शरू को दफनाने के लिए पेड़ के नीचे ज़मीन हासिल करने के लिए शरू इंदर की बाहों में मर जाता है और इंदर का दिल टूट जाता है। इंदर राजेंद्र को अस्पताल में पाता है और उसके साथ सुलह करता है। अब एक सफल वकील इंदर उस पेड़ के पास खड़ा है जो शरू की कब्र को चिन्हित करता है। वह दावा करता है कि उसे सफल और शांत देखकर खुश होना चाहिए। वह कहता है कि वह उसे याद करता है और शाश्वत सच्चे प्यार का वादा करता है। फेकना हर्षवर्धन राणे इंदर परिहार के रूप में, सरस्वती शरू पार्थ सारथी ऑब्लिक सरस्वती इंदर परिहार के रूप में, मावरा होकेन सिद्धांत खेक डमल अमित के रूप में, मनीष चौधरी जयराम पार्थ सारथी शरू के पिता के रूप में, प्यू मोरी मेहता अरुंधति पार्थ सारथी के रूप में, दिव्यता सिंह कावेरी पार्थ सारथी शरू की बहन के रूप में, अभिमन्यु शास्त्री शरू के दोस्त और बाद में मंगेतर के रूप में, अनुराग सिन्हा मुरली शर्मा इंस्पेक्टर हरि निकम के रूप में, श्रद्धा दास रूबी मल्होत्रा के रूप में, मुस्तकीन भाई के रूप में, विजयराज सुदेश बेरी इंदर के पिता राजेंद्र लाल परिहार के रूप में, पंडित के रूप में रवि शर्मा, कृष्णा राठौर चौकीदार के रूप में, आलोक पांडे रुशद राणा डॉक्टर के रूप में, कास्टिंग डायरेक्टर के रूप में गिरधर स्वामी, गीत संगीत सनम तेरी कसम द्वारा साउंडट्रैक एल्बम हिमेश रेशमिया, मुख 7 जनवरी 2016 रिकॉर्डेड 2015, शैली फीचर फिल्म साउंडट्रैक लंबाई 44:16, लेवल इरोज नाउ निर्माता हिमेश रेशमिया, हिमेश रेशमिया कालक्रम प्रेम रतन धन पायो 2015, सनम तेरी कसम 2016, तेरा सुरूर 2016। गाने हिमेश रेशमिया ने कंपोज किए थे। गाने के बोल समीर अनजान शब्बीर अहमद रेशमिया और सुब्रत सिन्हा ने लिखे हैं। शीर्षक ट्रैक 22 दिसंबर 2015 को जारी किया गया था और पूरा एल्बम 7 जनवरी 2016 को जारी किया गया था। सारा संगीत हिमेश रेशमिया द्वारा रचित है। गाना नंबर 1 सनम तेरी कसम, इस गाने के बोल समीर अनजान ने लिखे हैं और गायकार अंकित तिवारी और पलक मुच्छल हैं। गाना नंबर 2 खींच मेरी फ़ोटो, इस गाने के बोल लिखे हैं समीर अनजान ने और इस गाने के गायकार दर्शन रावल नीति मोहन और अकाशा सिंह हैं। गाना नंबर 3 बेवजह, इस गाने के बोल लिखे हैं समीर अनजान ने और इस गाने के गायकार हिमेश रेशमिया हैं। गाना नंबर 4 तेरा चेहरा, इस गाने के बोल शब्बीर अहमद ने लिखे हैं और इस गाने को अरिजीत सिंह ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 5 हाले दिल पुरुष, इस गाने के बोल समीर अनजान ने लिखे हैं और गायकार श्री राम हैं।
गाना नंबर 6 हाले दिल पहला, इस गाने के बोल समीर अंजान ने लिखे हैं और गायकार नीति मोहन हैं। गाना नंबर 7 एक नंबर, इस गाने के बोल हिमेश रेशमिया ने लिखे हैं और इस गाने के गायकार हिमेश रेशमिया और नीति मोहन हैं। गाना नंबर 8 मैं तेरी यादों में, इस गाने के बोल सुब्रत सिन्हा ने लिखे हैं, इस गाने के गायकार अरिजीत सिंह हैं। गाना नंबर 9 सनम तेरी कसम आश्चर्य, इस गाने के बोल समीर अंजान ने लिखे हैं और गाने के गायकार मोहम्मद इरफान अली और पलक मुच्छल हैं। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको सनम तेरी कसम मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। सनम तेरी कसम 2016 फिल्म। सनम तेरी कसम 2016 की एक भारतीय रोमांटिक ट्रेजेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन राधिका रॉय बिना सप्रू की जोड़ी ने किया है और दीपक मुकुट द्वारा निर्मित है। इसमें हर्षवर्धन राणे और मावरा होकेन प्रमुख भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म एरिक सैगल के उपन्यास लव स्टोरी का आधुनिक संस्करण है। फिल्म में जब सरस्वती के पिता उसे घर से बाहर निकाल देते हैं तो इंदर सभी बाधाओं के खिलाफ उसके साथ खड़ा होता है और यह उन्हें एक दूसरे के करीब लाता है। हालांकि उन्हें अलग करने के लिए नियति की अपनी योजनाएँ हैं। निर्देशक राधिका राय बिना सप्रू द्वारा लिखित, राधिका राय बिना सप्रू द्वारा निर्मित, दीपक मुकुट अभिनीत, हर्षवर्धन राणे, मावरा होकेन, सिद्धांत घेगड़मल, छायांकन चिरंतन दास, संगीत दिया हिमेश रेशमिया, उत्पादन कंपनियां झूम झूम प्रोडक्शंस, सोहम रॉक स्टार प्रोडक्शंस द्वारा वितरित, इरोज इंटरनेशनल। रिलीज की तारीख 5 फरवरी 2016। भारत, कार्यकारी समय 154 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। बजट 25 करोड़ US डॉलर, 3.1 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 56 करोड़ US डॉलर, 7.0 मिलियन। यह फिल्म हीरोज इंटरनेशनल के तहत 5 फरवरी 2016 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। फिल्म ने 56 करोड़ US डॉलर, 7.0 मिलियन से अधिक की कमाई की। भूखंड एक केस जीतने के बाद लोगों और मीडिया की भारी भीड़ वकील इंदर लाल परिहार को बधाई देती है। बाद में वह शैंपेन की एक बोतल खरीदता है और एक फ्लैशबैक के रूप में एक पेड़ का सामना करने के लिए घर लौटता है। सरस्वती स्वरूप पार्थ सारथी एक बेहद पारंपरिक तेलुगु युवा लाइब्रेरियन है, जिन्हें कई शूटर्स द्वारा खारिज किया कर दिया जाता है, जो उन्हें पुराने जमाने और अप्रिय पाते हैं। उसकी छोटी बहन कावेरी की मंगेतर ने उसे एक महीने के भीतर उससे शादी करने का अल्टीमेटम जारी किया या फिर आगे बढ़ गई, लेकिन उसके सत पिता जयराम पार्थ सारथी का कहना है कि उसकी शादी तब तक नहीं हो सकती जब तक शुरू की शादी नहीं हो जाती। क्रोधित होकर कावेरी ने उसका अपमान किया और भाग जाने की धमकी दी। शुरू ने उसे भागने और जयराम को चोट ना पहुंचाने की भीख मांगी और कावेरी से वादा किया कि वह जल्द ही एक पति ढूंढ लेगी। उसी इमारत में रहने वाले इंदर फिर एक सुंदर पूर्व अपराधी जो प्रसिद्ध फैशनिस्टा स्टाइलिश रूबी मल्होत्रा के साथ रिश्ते में हैं। जयराम उन्हें समाज के लिए एक बुरे प्रभाव के रूप में देखते हैं क्योंकि वह उन्हें शर्मनाक पाते हैं। हालांकि कुछ दिनों बाद उनका ब्रेकअप हो जाता है। जब सरू के माता पिता शहर से बाहर होते हैं तो सरू चुपके से इंदर से मिलता है और रूबी से मेकओवर अपॉइंटमेंट लेने के लिए मदद मांगता है। वह अपने ऑफिस क्रश अभिमन्यु शास्त्री को प्रभावित करना चाहती है, जिनके पास IIT में डिग्री है। उनकी बातचीत के दौरान एक शराबी रूबी अंदर आती है और इंदर को धोखा देने का अनुमान लगाती है। गुस्से में वह शरू का अपमान करती है और अपनी शराब की बोतल शरू पर फेंक देती है और चली जाती है, लेकिन इंदर उसे ढाल देता है
और बुरी तरह घायल हो जाता है। शरू इंदर को उसके बिस्तर तक ले जाने में मदद करता है, जबकि चौकीदार इंदर के अपार्टमेंट के पास पहुंचता है और उन्हें अतरंगी स्थिति में गलत समझकर समाज के सभी बुजुर्गों को सचेत करता है। अनजान शरू इंदर की अनिच्छा के बावजूद उसके घाव को ठीक करने में मदद करता है। जयराम अपनी यात्रा से जल्दी लौट आता है। बह और बड़ों ने शरू को अपने बिस्तर पर इंद्र के साथ पाया, स्थिति को बुरी तरह से गलत समझा, जबकि जयराम ने उसे छोड़ दिया। शरू अपनी माँ अरुंधति को बताता है कि उस रात वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन उससे जयराम को ना बताने के लिए कहता है, क्योंकि उसने आखिरकार कावेरी की शादी के लिए सहमति दे दी थी। इंद्र उसे एक अपार्टमेंट खोजने में मदद करता है और एक स्थानीय हेयर ड्रेसर मुस्तकीन की मदद से उसका मेकओवर भी करवाता है। अपने नए मेकओवर के साथ वह अभिमन्यु का ध्यान खींचती है। इस बीच इंद्र को उससे प्यार हो जाता है, लेकिन जब अभिमन्यु उसे प्रपोज करता है तो वह चुप रहता है, क्योंकि वह चाहता है कि वह खुश रहे। हालांकि अभिमन्यु ने शादी के दिन उसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उसके पिता एक बदनाम बहू नहीं चाहते थे। शरू का दिल टूट गया और वह अपने हनीमून स्वीट में चली गई। वहाँ से शरू और इंद्र एक साथ रात बिताते हैं। अगली सुबह इंद्र शरू को अभिमन्यु को गले लगाते हुए देखता है और दिल टूट जाता है। शरू के साथ सभी संपर्कों को तोड़ते हुए इंद्र अवसाद में आ जाता है। जब उसे अभिमन्यु से पता चलता है कि शरू ने वास्तव में अभिमन्यु के दूसरे मौके के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था, तो वह उसे ट्रैक करता है और उसे एक बौद्ध मठ में पाता है, जहाँ वह उससे अपने प्यार का इजहार करता है। शरू बेहोश हो जाता है और इंद्र उसे अस्पताल ले जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वह पीड़ित है। मस्तिका वर्णाबुर्द और जीने के लिए बहुत कम दिन होते हैं। जब जबरन शरू के माता पिता के घर में घुस जाता है और उनसे मांग करता है कि वे अपनी बेटी के मरने का नाटक करना बंद करें। अगले दिन उसे जयराम द्वारा लगाए गए आरोपों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। शरू डिस्चार्ज हो जाता है और लाइब्रेरी जाता है, जहाँ उसे चेकआउट पर्चियों में इंद्र द्वारा उसके लिए छोड़े गए गुप्त संदेशों का पता चलता है। यह महसूस करते हुए कि वह शुरू से ही उसे प्यार करता है, दोनों एकजुट हो जाते हैं और शुरू इंद्र से उसे शादी करने के लिए कहता है। उस रात शरू उसे बताती है कि उसकी मृत्यु के बाद वह एक खूबसूरत फूल वाले पेड़ के नीचे दफन होना चाहती है। इंद्र जयराम से मिलता है और उसे बताता है कि वह शरू से शादी कर रहा है और उसके लिए मर भी सकता है। अपनी शादी के दिन शरू के माता पिता आते हैं और उनकी शादी को स्वीकार करते हैं। शादी के बाद शरू बेहोश हो जाता है और अस्पताल में भर्ती हो जाता है। उसके माता पिता को उसकी बीमारी के बारे में पता चलता है और जयराम दिल टूटने और दोषी महसूस करता है। इंद्र अपने पिता राजेंद्र लाल परियार से पूछता है, जिसके साथ उसका एक तनावपूर्ण रिश्ता है। उसके लिए शरू को दफनाने के लिए पेड़ के नीचे ज़मीन हासिल करने के लिए शरू इंद्र की बाहों में मर जाता है और इंद्र का दिल टूट जाता है। इंद्र राजेंद्र को अस्पताल में पाता है और उसके साथ सुलह करता है। अब एक सफल वकील इंद्र उस पेड़ के पास खड़ा है, जो शरू की कब्र को चिन्हित करता है। वह दावा करता है कि उसे सफल और शांत देखकर खुश होना चाहिए। वह कहता है कि वह उसे याद करता है और शाश्वत सच्चे प्यार का वादा करता है। फेकना हर्षवर्धन राणे इंद्र परिहार के रूप में, सरस्वती शरू पार्थ सारथी पब्लिक सरस्वती इंद्र परिहार के रूप में, मावरा होकेन सिद्धांत खेक डमल अमित के रूप में, मनीष चौधरी जयराम पार्थ सारथी शरू के पिता के रूप में, प्यू मोरी मेहता अरुंधति पार्थ सारथी के रूप में, दिव्यता सिंह कावेरी पार्थ सारथी शरू की बहन के रूप में, अभिमन्यु शास्त्री शरू के दोस्त और बाद में मंगेतर के रूप में, अनुराग सिन्हा मुरली शर्मा इंस्पेक्टर हरी निकम के रूप में, श्रद्धा दास रूबी मल्होत्रा के रूप में, मुस्तकीन भाई के रूप में, विजयराज सुदेश बेरी इंद्र के पिता राजेंद्र लाल परिहार के रूप में, पंडित के रूप में रवि शर्मा, कृष्णा राठौर चौकीदार के रूप में, आलोक पांडे रुशद राणा डॉक्टर के रूप में, कास्टिंग डायरेक्टर के रूप में गिरधर स्वामी, गीत संगीत सनम तेरी कसम द्वारा साउंडट्रैक एल्बम हिमेश रेशमिया, मुख 7 जनवरी 2016 रिकॉर्डेड 2015, शैली फीचर फिल्म साउंडट्रैक लंबाई 44:16 लेवल इरोज नाउ, निर्माता हिमेश रेशमिया, हिमेश रेशमिया कालक्रम प्रेम रतन धन पायो 2015, सनम तेरी कसम 2016, तेरा सुरूर 2016, गाने हिमेश रेशमिया ने कंपोज किए थे। गाने के बोल समीर अनजान, शब्बीर अहमद रेशमिया और सुब्रत सिन्हा ने लिखे हैं।
शीर्षक ट्रैक 22 दिसंबर 2015 को जारी किया गया था और पूरा एल्बम 7 जनवरी 2016 को जारी किया गया था। सारा संगीत हिमेश रेशमिया द्वारा रचित है। गाना नंबर 1 सनम तेरी कसम। इस गाने के बोल समीर अंजान ने लिखे हैं और गायकार अंकित तिवारी और पलक मुच्छल हैं। गाना नंबर 2 खींच मेरी फ़ोटो। इस गाने के बोल लिखे हैं समीर अंजान ने और इस गाने के गायकार दर्शन रावल, नीति मोहन और अकाशा सिंह हैं। गाना नंबर 3 बेवजह। इस गाने के बोल लिखे हैं समीर अंजान ने और इस गाने के गायकार हिमेश रेशमिया हैं। गाना नंबर 4 तेरा चेहरा। इस गाने के बोल शब्बीर अहमद ने लिखे हैं और इस गाने को अरिजीत सिंह ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 5 हाले दिल पुरुष। इस गाने के बोल समीर अंजान ने लिखे हैं और गायकार श्री राम हैं। गाना नंबर 6 हाले दिल पहला। इस गाने के बोल समीर अंजान ने लिखे हैं और गायकार नीति मोहन हैं। गाना नंबर 7 एक नंबर। इस गाने के बोल हिमेश रेशमिया ने लिखे हैं और इस गाने के गायकार हिमेश रेशमिया और नीति मोहन हैं। गाना नंबर 8 मैं तेरी यादों में। इस गाने के बोल सुब्रत सिन्हा ने लिखे हैं। इस गाने के गायकार अरिजीत सिंह हैं। गाना नंबर 9 सनम तेरी कसम आश्चर्य। इस गाने के बोल समीर अंजान ने लिखे हैं और गाने के गायकार मोहम्मद इरफान अली और पलक मुच्छल हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको सनम तेरी कसम मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। सनम तेरी कसम 2016 फिल्म। सनम तेरी कसम 2016 की एक भारतीय रोमांटिक ट्रेजेडी फिल्म है जिसका निर्देशन राधिका रॉय विनय सप्रू की जोड़ी ने किया है और दीपक मुकुट द्वारा निर्मित है। इसमें हर्षवर्धन राणे और मावरा होकेन प्रमुख भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म एरिक सैगल के उपन्यास लव स्टोरी का आधुनिक संस्करण है। फिल्म में जब सरस्वती के पिता उसे घर से बाहर निकाल देते हैं तो इंदर सभी बाधाओं के खिलाफ उसके साथ खड़ा होता है और यह उन्हें एक दूसरे के करीब लाता है। हालांकि उन्हें अलग करने के लिए नियति की अपनी योजनाएँ हैं। निर्देशक राधिका राय विनय सप्रू द्वारा लिखित राधिका राय विनय सप्रू द्वारा निर्मित दीपक मुकुट अभिनीत हर्षवर्धन राणे मावरा होकेन सिद्धांत घेगड़मल छायांकन चिरंतन दास संगीत दिया हिमेश रेशमिया उत्पादन कंपनियां झूम झूम प्रोडक्शंस सोहम रॉक स्टार प्रोडक्शंस द्वारा वितरित इरोज इंटरनेशनल रिलीज की तारीख 5 फरवरी 2016 भारत कार्यकारी समय 154 मिनट देश भारत भाषा हिंदी बजट 25 करोड़ US डॉलर 3.1 मिलियन बॉक्स ऑफिस 56 करोड़ US डॉलर 7.0 मिलियन। यह फिल्म हीरोज इंटरनेशनल के तहत 5 फरवरी 2016 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। फिल्म ने 56 करोड़ US डॉलर 7.0 मिलियन से अधिक की कमाई की। भूखंड 1 केस जीतने के बाद लोगों और मीडिया की भारी भीड़ वकील इंदर लाल परिहार को बधाई देती है। बाद में वह शैंपेन की एक बोतल खरीदता है और एक फ्लैशबैक के रूप में एक पेड़ का सामना करने के लिए घर लौटता है। सरस्वती स्वरूप पार्थ सारथी एक बेहद पारंपरिक तेलुगु युवा लाइब्रेरियन है जिन्हें कई शूटर्स द्वारा खारिज किया कर दिया जाता है जो उन्हें पुराने जमाने और अप्रिय पाते हैं। उसकी छोटी बहन कावेरी की मंगेतर ने उसे एक महीने के भीतर उससे शादी करने का अल्टीमेटम जारी किया। यह फिर आगे बढ़ गई लेकिन उसके सत पिता जयराम पार्थसारथी का कहना है कि उसकी शादी तब तक नहीं हो सकती जब तक शुरू की शादी नहीं हो जाती। क्रोधित होकर कावेरी ने उसका अपमान किया और भाग जाने की धमकी दी। शुरू ने उसे भागने और जयराम को चोट न पहुंचाने की भीख मांगी और कावेरी से वादा किया कि वह जल्द ही एक पति ढूंढ लेगी। उसी इमारत में रहने वाले इंदर फिर एक सुंदर पूर्व अपराधी
जो प्रसिद्ध फैशनिस्टा स्टाइलिश रूबी मल्होत्रा के साथ रिश्ते में हैं। जयराम उन्हें समाज के लिए एक बुरे प्रभाव के रूप में देखते हैं क्योंकि वह उन्हें शर्मनाक पाते हैं। हालांकि कुछ दिनों बाद उनका ब्रेकअप हो जाता है। जब सरू के माता पिता शहर से बाहर होते हैं तो सरू चुपके से इंदर से मिलता है और रूबी से मेकओवर अपॉइंटमेंट लेने के लिए मदद मांगता है। वह अपने ऑफिस क्रश अभिमन्यु शास्त्री को प्रभावित करना चाहती है जिनके पास आईआईटी में डिग्री है। उनकी बातचीत के दौरान एक शराबी रूबी अंदर आती है और इंदर को धोखा देने का अनुमान लगाती है। गुस्से में वह शरू का अपमान करती है और अपनी शराब की बोतल शरू पर फेंक देती है और चली जाती है, लेकिन इंदर उसे ढाल देता है और बुरी तरह घायल हो जाता है। शरू इंदर को उसके बिस्तर तक ले जाने में मदद करता है जबकि चौकीदार इंदर के अपार्टमेंट के पास पहुंचता है और उन्हें अतरंग स्थिति में गलत समझकर समाज के सभी बुजुर्गों को सचेत करता है। अनजान शरू इंदर की अनिच्छा के बावजूद उसके घाव को ठीक करने में मदद करता है। जयराम अपनी यात्रा से जल्दी लौट आता है। वह और बड़ों ने शरू को अपने बिस्तर पर इंदर के साथ पाया। स्थिति को बुरी तरह से गलत समझा जबकि जयराम ने उसे छोड़ दिया। शरू अपनी माँ अरुंधति को बताता है कि उस रात वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन उससे जयराम को ना बताने के लिए कहता है क्योंकि उसने आखिरकार कावेरी की शादी के लिए सहमति दे दी थी। इंदर उसे एक अपार्टमेंट खोजने में मदद करता है और एक स्थानीय हेयर ड्रेसर मुस्तकीन की मदद से उसका मेकओवर भी करवाता है। अपने नए मेकओवर के साथ वह अभिमन्यु का ध्यान खींचती है। इस बीच इंदर को उससे प्यार हो जाता है, लेकिन जब अभिमन्यु उसे प्रपोज करता है तो वह चुप रहता है क्योंकि वह चाहता है कि वह खुश रहे। हालांकि अभिमन्यु ने शादी के दिन उसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि उसके पिता एक बदनाम बहू नहीं चाहते थे। शरू का दिल टूट गया और वह अपने हनीमून स्वीट में चली गई। वहाँ से शरू और इंदर एक साथ रात बिताते हैं। अगली सुबह इंदर शरू को अभिमन्यु को गले लगाते हुए देखता है और दिल टूट जाता है। शरू के साथ सभी संपर्कों को तोड़ते हुए इंदर अवसाद में आ जाता है। जब उसे अभिमन्यु से पता चलता है कि शरू ने वास्तव में अभिमन्यु के दूसरे मौके के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था तो वह उसे ट्रैक करता है और उसे एक बौद्ध मठ में पाता है जहाँ वह उससे अपने प्यार का इजहार करता है। शरू बेहोश हो जाता है और इंदर उसे अस्पताल ले जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि वह पीड़ित है। मस्तिका वर्णागुर्द और जीने के लिए बहुत कम दिन होते हैं। जब जबरन शरू के माता पिता के घर में घुस जाता है और उनसे मांग करता है कि वे अपनी बेटी के मरने का नाटक करना बंद करें। अगले दिन उसे जयराम द्वारा लगाए गए आरोपों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। शरू डिस्चार्ज हो जाता है और लाइब्रेरी जाता है जहाँ उसे चेकआउट पर्चियों में इंदर द्वारा उसके लिए छोड़े गए गुप्त संदेशों का पता चलता है। यह महसूस करते हुए कि वह शुरू से ही उसे प्यार करता है, दोनों एकजुट हो जाते हैं और शुरू इंदर से उसे शादी करने के लिए कहता है। उस रात शरू उसे बताती है कि उसकी मृत्यु के बाद वह एक खूबसूरत फूल वाले पेड़ के नीचे दफन होना चाहती है। इंदर जयराम से मिलता है और उसे बताता है कि वह शरू से शादी कर रहा है और उसके लिए मर भी सकता है। अपनी शादी के दिन शरू के माता पिता आते हैं और उनकी शादी को स्वीकार करते हैं। शादी के बाद शरू बेहोश हो जाता है और अस्पताल में भर्ती हो जाता है। उसके माता पिता को उसकी बीमारी के बारे में पता चलता है और जयराम दिल टूटने और दोषी महसूस करता है। इंदर अपने पिता राजेंद्र लाल परिहार से पूछता है जिसके साथ उसका एक तनावपूर्ण रिश्ता है। उसके लिए शरू को दफनाने के लिए पेड़ के नीचे ज़मीन हासिल करने के लिए शरू इंदर की बाहों में मर जाता है और इंदर का दिल टूट जाता है। इंदर राजेंद्र को अस्पताल में पाता है और उसके साथ सुलह करता है। अब एक सफल वकील इंदर उस पेड़ के पास खड़ा है जो शरू की कब्र को चिन्हित करता है। वह दावा करता है कि उसे सफल और शांत देखकर खुश होना चाहिए। वह कहता है कि वह उसे याद करता है और शाश्वत सच्चे प्यार का वादा करता है। फेकना हर्षवर्धन राणे इंदर परिहार के रूप में, सरस्वती शरू पार्थ सारथी ऑब्लिक सरस्वती इंदर परिहार के रूप में, मावरा होकेन सिद्धांत खेक डमल अमित के रूप में, मनीष चौधरी जयराम पार्थ सारथी शरू के पिता के रूप में, प्यूमोरी मेहता अरुंधति पार्थ सारथी के रूप में, दिव्यता सिंह कावेरी पार्थ सारथी शरू की बहन के रूप में, अभिमन्यु शास्त्री शरू के दोस्त और बाद में मंगेतर के रूप में, अनुराग सिन्हा मुरली शर्मा इंस्पेक्टर हरी निकम के रूप में, श्रद्धा दास रूबी मल्होत्रा के रूप में, मुस्तकीन भाई के रूप में, विजयराज
सुदेश बेरी इंदर के पिता राजेंद्र लाल परिहार के रूप में, पंडित के रूप में रवि शर्मा, कृष्णा राठौर चौकीदार के रूप में आलोक पांडे, रुशद राणा डॉक्टर के रूप में, कास्टिंग डायरेक्टर के रूप में गिरधर स्वामी, गीत संगीत सनम तेरी कसम द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम हिमेश रेशमिया, 7 जनवरी 2016 रिकॉर्डेड 2015, शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक लंबाई 44:16, लेवल इरोज नाउ, निर्माता हिमेश रेशमिया, हिमेश रेशमिया कालक्रम प्रेम रतन धन पायो 2015, सनम तेरी कसम 2016, तेरा सुरूर 2016, गाने हिमेश रेशमिया ने कंपोज किए थे, गाने के बोल समीर अनजान, शब्बीर अहमद रेशमिया और सुब्रत सिन्हा ने लिखे हैं। शीर्षक ट्रैक 22 दिसंबर 2015 को जारी किया गया था और पूरा एल्बम 7 जनवरी 2016 को जारी किया गया था। सारा संगीत हिमेश रेशमिया द्वारा रचित है। गाना नंबर 1 सनम तेरी कसम, इस गाने के बोल समीर अनजान ने लिखे हैं और गायकार अंकित तिवारी और पलक मुच्छल हैं। गाना नंबर 2 खींच मेरी फ़ोटो, इस गाने के बोल लिखे हैं समीर अनजान ने और इस गाने के गायकार दर्शन रावल, नीति मोहन और अकाशा सिंह हैं। गाना नंबर 3 बेवजह, इस गाने के बोल लिखे हैं समीर अनजान ने और इस गाने के गायकार हिमेश रेशमिया हैं। गाना नंबर 4 तेरा चेहरा, इस गाने के बोल शब्बीर अहमद ने लिखे हैं और इस गाने को अरिजीत सिंह ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 5 हाले दिल पुरुष, इस गाने के बोल समीर अनजान ने लिखे हैं और गायकार श्री राम हैं। गाना नंबर 6 हाले दिल पहला, इस गाने के बोल समीर अनजान ने लिखे हैं और गायकार नीति मोहन हैं। गाना नंबर 7 एक नंबर, इस गाने के बोल हिमेश रेशमिया ने लिखे हैं और इस गाने के गायकार हिमेश रेशमिया और नीति मोहन हैं। गाना नंबर 8 मैं तेरी यादों में, इस गाने के बोल सुब्रत सिन्हा ने लिखे हैं, इस गाने के गायकार अरिजीत सिंह हैं। गाना नंबर 9 सनम तेरी कसम आश्चर्य, इस गाने के बोल समीर अनजान ने लिखे हैं और गाने के गायकार मोहम्मद इरफान अली और पलक मुच्छल हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको सनम तेरी कसम मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। सनम तेरी कसम 2016 फिल्म। सनम तेरी कसम 2016 की एक भारतीय रोमांटिक ट्रेजेडी फिल्म है जिसका निर्देशन राधिका रॉय बिना सप्रू की जोड़ी ने किया है और दीपक मुकुट द्वारा निर्मित है। इसमें हर्षवर्धन राणे और मावरा होकेन प्रमुख भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म एरिक सैगल के उपन्यास लव स्टोरी का आधुनिक संस्करण है। फिल्म में जब सरस्वती के पिता उसे घर से बाहर निकाल देते हैं तो इंदर सभी बाधाओं के खिलाफ उसके साथ खड़ा होता है और यह उन्हें एक दूसरे के करीब लाता है। हालांकि उन्हें अलग करने के लिए नियति की अपनी योजनाएँ हैं। निर्देशक राधिका राय विनय सप्रू द्वारा लिखित, राधिका राय विनय सप्रू द्वारा निर्मित, दीपक मुकुट अभिनीत, हर्षवर्धन राणे, मावरा होकेन, सिद्धांत घेगड़मल छायांकन, चिरंतन दास संगीत दिया, हिमेश रेशमिया, उत्पादन कंपनियां झूम झूम प्रोडक्शंस, सोहम रॉक स्टार प्रोडक्शंस द्वारा वितरित, इरोज इंटरनेशनल, रिलीज की तारीख 5 फरवरी 2016, भारत, कार्यकारी समय 154 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 25 करोड़ US डॉलर, 3.1 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 56 करोड़ US डॉलर, 7.0 मिलियन। यह फिल्म हीरोज इंटरनेशनल के तहत 5 फरवरी 2016 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। फिल्म ने 56 करोड़ US डॉलर, 7.0 मिलियन से अधिक की कमाई की। भूखंड 1 केस जीतने के बाद लोगों और मीडिया की भारी भीड़ वकील इंदर लाल परिहार को बधाई देती है। बाद में वह शैंपेन की एक बोतल खरीदता है और एक फ्लैशबैक के रूप में एक पेड़ का सामना
करने के लिए घर लौटता है। सरस्वती स्वरूप पार्थ सारथी एक बेहद पारंपरिक तेलुगु युवा लाइब्रेरियन है, जिन्हें कई शूटर्स द्वारा खारिज किया कर दिया जाता है, जो उन्हें पुराने जमाने और अप्रिय पाते हैं। उसकी छोटी बहन कावेरी की मंगेतर ने उसे एक महीने के भीतर उससे शादी करने का अल्टीमेटम जारी किया या फिर आगे बढ़ गई, लेकिन उसके सत पिता जयराम पार्थ सारथी का कहना है कि उसकी शादी तब तक नहीं हो सकती जब तक शुरू की शादी नहीं हो जाती। क्रोधित होकर कावेरी ने उसका अपमान किया और भाग जाने की धमकी दी। शुरू ने उसे भागने और जयराम को चोट ना पहुंचाने की भीख मांगी और कावेरी से वादा किया कि वह जल्द ही एक पति ढूंढ लेगी। उसी इमारत में रहने वाले इंदर फिर एक सुंदर पूर्व अपराधी जो प्रसिद्ध फैशनिस्टा स्टाइलिश रूबी मल्होत्रा के साथ रिश्ते में है। जयराम उन्हें समाज के लिए एक बुरे प्रभाव के रूप में देखते हैं क्योंकि वह उन्हें शर्मनाक पाते हैं। हालांकि कुछ दिनों बाद उनका ब्रेकअप हो जाता है। जब सरू के माता पिता शहर से बाहर होते हैं तो सरू चुपके से इंदर से मिलता है और रूबी से मेकओवर अपॉइंटमेंट लेने के लिए मदद मांगता है। वह अपने ऑफिस क्रश अभिमन्यु शास्त्री को प्रभावित करना चाहती है, जिनके पास IIT में डिग्री है। उनकी बातचीत के दौरान एक शराबी रूबी अंदर आती है और इंदर को धोखा देने का अनुमान लगाती है। गुस्से में वह शरू का अपमान करती है और अपनी शराब की बोतल शरू पर फेंक देती है और चली जाती है, लेकिन इंदर उसे ढाल देता है और बुरी तरह घायल हो जाता है। शरू इंदर को उसके बिस्तर तक ले जाने में मदद करता है, जबकि चौकीदार इंदर के अपार्टमेंट के पास पहुंचता है और उन्हें अतरंग स्थिति में गलत समझकर समाज के सभी बुजुर्गों को सचेत करता है। अनजान शरू इंदर की अनिच्छा के बावजूद उसके घाव को ठीक करने में मदद करता है। जयराम अपनी यात्रा से जल्दी लौट आता है। वह और बड़ों ने शरू को अपने बिस्तर पर इंदर के साथ पाया। स्थिति को बुरी तरह से गलत समझा, जबकि जयराम ने उसे छोड़ दिया। शरू अपनी माँ अरुंधति को बताता है कि उस रात वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन उससे जयराम को ना बताने के लिए कहता है क्योंकि उसने आखिरकार कावेरी की शादी के लिए सहमति दे दी थी। इंदर उसे एक अपार्टमेंट खोजने में मदद करता है और एक स्थानीय हेयर ड्रेसर मुस्तकीन की मदद से उसका मेकओवर भी करवाता है। अपने नए मेकओवर के साथ वह अभिमन्यु का ध्यान खींचती है। इस बीच इंदर को उससे प्यार हो जाता है, लेकिन जब अभिमन्यु उसे प्रपोज करता है तो वह चुप रहता है क्योंकि वह चाहता है कि वह खुश रहे। हालांकि अभिमन्यु ने शादी के दिन उसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि उसके पिता एक बदनाम बहू नहीं चाहते थे। शरू का दिल टूट गया और वह अपने हनीमून स्वीट में चली गई। वहाँ से शरू और इंदर एक साथ रात बिताते हैं। अगली सुबह इंदर शरू को अभिमन्यु को गले लगाते हुए देखता है और दिल टूट जाता है। शरू के साथ सभी संपर्कों को तोड़ते हुए इंदर अवसाद में आ जाता है। जब उसे अभिमन्यु से पता चलता है कि शरू ने वास्तव में अभिमन्यु के दूसरे मौके के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था, तो वह उसे ट्रैक करता है और उसे एक बौद्ध मठ में पाता है, जहाँ वह उससे अपने प्यार का इजहार करता है। शरू बेहोश हो जाता है और इंदर उसे अस्पताल ले जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वह पीड़ित है। मस्तिका वर्णावर्द और जीने के लिए बहुत कम दिन होते हैं। जब जबरन शरू के माता पिता के घर में घुस जाता है और उनसे मांग करता है कि वे अपनी बेटी के मरने का नाटक करना बंद करें। अगले दिन उसे जयराम द्वारा लगाए गए आरोपों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। शरू डिस्चार्ज हो जाता है और लाइब्रेरी जाता है, जहाँ उसे चेकआउट पर्चियों में इंदर द्वारा उसके लिए छोड़े गए गुप्त संदेशों का पता चलता है। यह महसूस करते हुए कि वह शुरू से ही उसे प्यार करता है, दोनों एकजुट हो जाते हैं और शुरू इंदर से उसे शादी करने के लिए कहता है। उस रात शरू उसे बताती है कि उसकी मृत्यु के बाद वह एक खूबसूरत फूल वाले पेड़ के नीचे दफन होना चाहती है। इंदर जयराम से मिलता है और उसे बताता है कि वह शरू से शादी कर रहा है और उसके लिए मर भी सकता है। अपनी शादी के दिन शरू के माता पिता आते हैं और उनकी शादी को स्वीकार करते हैं। शादी के बाद शरू बेहोश हो जाता है और अस्पताल में भर्ती हो जाता है। उसके माता पिता को उसकी बीमारी के बारे में पता चलता है और जयराम दिल टूटने और दोषी महसूस करता है। इंदर अपने पिता राजेंद्र लाल परिहार से पूछता है, जिसके साथ उसका एक तनावपूर्ण रिश्ता है। उसके लिए शरू को दफनाने के लिए पेड़ के नीचे ज़मीन हासिल करने के लिए शरू इंदर की बाहों में मर जाता है और इंदर का दिल टूट जाता है। इंदर राजेंद्र को अस्पताल में पाता है और उसके साथ सुलह करता है।
अब एक सफल वकील इंदर उस पेड़ के पास खड़ा है जो सरू की कब्र को चिन्हित करता है। वह दावा करता है कि उसे सफल और शांत देखकर खुश होना चाहिए। वह कहता है कि वह उसे याद करता है और शाश्वत सच्चे प्यार का वादा करता है। फेकना हर्षवर्धन राय ने इंदर परिहार के रूप में सरस्वती सरू पार्थ सारथी पब्लिक सरस्वती इंदर परिहार के रूप में मावरा होकेन सिद्धांत खेक डमल अमित के रूप में मनीष चौधरी जयराम पार्थ सारथी सरू के पिता के रूप में प्यू मोहरी मेहता अरुंधति पार्थ सारथी के रूप में दिव्यता सिंह कावेरी पार्थ सारथी सरू की बहन के रूप में अभिमन्यु शास्त्री सरू के दोस्त और बाद में मंगेतर के रूप में अनुराग सिन्हा मुरली शर्मा इंस्पेक्टर हरी निकम के रूप में श्रद्धा दास रूबी मल्होत्रा के रूप में मुस्तकीन भाई के रूप में विजयराज सुदेश बेरी इंदर के पिता राजेंद्र लाल परिहार के रूप में पंडित के रूप में रवि शर्मा कृष्णा राठौर चौकीदार के रूप में आलोक पांडे रुशद राणा डॉक्टर के रूप में कास्टिंग डायरेक्टर के रूप में गिरधर स्वामी गीत संगीत सनम तेरी कसम द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम हिमेश रेशमिया मुख 7 जनवरी 2016 रिकॉर्डेड 2015 शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक लंबाई 44:16 लेवल इरोज नाउ निर्माता हिमेश रेशमिया कालक्रम प्रेम रतन धन पायो 2015 सनम तेरी कसम 2016 तेरा सुरूर 2016 गाने हिमेश रेशमिया ने कंपोज किए थे। गाने के बोल समीर अनजान शब्बीर अहमद रेशमिया और सुब्रत सिन्हा ने लिखे हैं। शीर्षक ट्रैक 22 दिसंबर 2015 को जारी किया गया था और पूरा एल्बम 7 जनवरी 2016 को जारी किया गया था। सारा संगीत हिमेश रेशमिया द्वारा रचित है। गाना नंबर 1 सनम तेरी कसम इस गाने के बोल समीर अनजान ने लिखे हैं और गायकार अंकित तिवारी और पलक मुच्छल हैं। गाना नंबर 2 खींच मेरी फ़ोटो इस गाने के बोल लिखे हैं समीर अनजान ने और इस गाने के गायकार दर्शन रावल नीति मोहन और अकाशा सिंह हैं। गाना नंबर 3 बेवजह इस गाने के बोल लिखे हैं समीर अनजान ने और इस गाने के गायकार हिमेश रेशमिया हैं। गाना नंबर 4 तेरा चेहरा इस गाने के बोल शब्बीर अहमद ने लिखे हैं और इस गाने को अरिजीत सिंह ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 5 हाले दिल पुरुष इस गाने के बोल समीर अनजान ने लिखे हैं और गायकार श्री राम हैं। गाना नंबर 6 हाले दिल पहला इस गाने के बोल समीर अनजान ने लिखे हैं और गायकार नीति मोहन हैं। गाना नंबर 7 एक नंबर इस गाने के बोल हिमेश रेशमिया ने लिखे हैं और इस गाने के गायकार हिमेश रेशमिया और नीति मोहन हैं। गाना नंबर 8 मैं तेरी यादों में इस गाने के बोल सुब्रत सिन्हा ने लिखे हैं इस गाने के गायकार अरिजीत सिंह हैं। गाना नंबर 9 सनम तेरी कसम आश्चर्य इस गाने के बोल समीर अनजान ने लिखे हैं और गाने के गायकार मोहम्मद इरफान अली और पलक मुच्छल हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको सनम तेरी कसम मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। सनम तेरी कसम 2016 फिल्म। सनम तेरी कसम 2016 की एक भारतीय रोमांटिक ट्रेजेडी फिल्म है जिसका निर्देशन राधिका रॉय विनय सप्रू की जोड़ी ने किया है और दीपक मुकुट द्वारा निर्मित है। इसमें हर्षवर्धन राणे और मावरा होकेन प्रमुख भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म एरिक सैगल के उपन्यास लव स्टोरी का आधुनिक संस्करण है। फिल्म में जब सरस्वती के पिता उसे घर से बाहर निकाल देते हैं तो इंदर सभी बाधाओं के खिलाफ उसके साथ खड़ा होता है और यह उन्हें एक दूसरे के करीब लाता है। हालांकि उन्हें अलग करने के लिए नियति की अपनी योजनाएँ हैं। निर्देशक राधिका राय विनय सप्रू द्वारा लिखित राधिका राय विनय सप्रू द्वारा निर्मित दीपक मुकुट अभिनीत हर्षवर्धन राणे मावरा होकेन सिद्धांत घेगड़मल छायांकन चिरंतन दास
संगीत दिया हिमेश रेशमिया, उत्पादन कंपनियां झूम झूम प्रोडक्शंस, सोहम, रॉक स्टार प्रोडक्शंस द्वारा वितरित इरोज इंटरनेशनल। रिलीज की तारीख 5 फरवरी 2016। भारत, कार्यकारी समय 154 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। बजट 25 करोड़ US डॉलर, 3.1 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 56 करोड़ US डॉलर, 7.0 मिलियन। यह फिल्म हीरोज इंटरनेशनल के तहत 5 फरवरी 2016 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। फिल्म ने 56 करोड़ US डॉलर, 7.0 मिलियन से अधिक की कमाई की। भूखंड, एक केस जीतने के बाद लोगों और मीडिया की भारी भीड़ वकील इंदरलाल परिहार को बधाई देती है। बाद में वह शैंपेन की एक बोतल खरीदता है और एक फ्लैशबैक के रूप में एक पेड़ का सामना करने के लिए घर लौटता है। सरस्वती स्वरूप पार्थ सारथी एक बेहद पारंपरिक तेलुगु युवा लाइब्रेरियन है, जिन्हें कई शूटर्स द्वारा खारिज किया कर दिया जाता है, जो उन्हें पुराने जमाने और अप्रिय पाते हैं। उसकी छोटी बहन कावेरी की मंगेतर ने उसे एक महीने के भीतर उससे शादी करने का अल्टीमेटम जारी किया। यह फिर आगे बढ़ गई, लेकिन उसके सत पिता जयराम पार्थ सारथी का कहना है कि उसकी शादी तब तक नहीं हो सकती जब तक शुरू की शादी नहीं हो जाती। क्रोधित होकर कावेरी ने उसका अपमान किया और भाग जाने की धमकी दी। शुरू ने उसे भागने और जयराम को चोट न पहुंचाने की भीख मांगी और कावेरी से वादा किया कि वह जल्द ही एक पति ढूंढ लेगी। उसी इमारत में रहने वाले इंदर फिर एक सुंदर पूर्व अपराधी जो प्रसिद्ध फैशनिस्टा स्टाइलिश रूबी मल्होत्रा के साथ रिश्ते में है। जयराम उन्हें समाज के लिए एक बुरे प्रभाव के रूप में देखते हैं क्योंकि वह उन्हें शर्मनाक पाते हैं। हालांकि कुछ दिनों बाद उनका ब्रेकअप हो जाता है। जब सरू के माता पिता शहर से बाहर होते हैं तो सरू चुपके से इंदर से मिलता है और रूबी से मेकओवर अपॉइंटमेंट लेने के लिए मदद मांगता है। वह अपने ऑफिस क्रश अभिमन्यु शास्त्री को प्रभावित करना चाहती है, जिनके पास IIT में डिग्री है। उनकी बातचीत के दौरान एक शराबी रूबी अंदर आती है और इंदर को धोखा देने का अनुमान लगाती है। गुस्से में वह शरू का अपमान करती है और अपनी शराब की बोतल शरू पर फेंक देती है और चली जाती है, लेकिन इंदर उसे ढाल देता है और बुरी तरह घायल हो जाता है। शरू इंदर को उसके बिस्तर तक ले जाने में मदद करता है, जबकि चौकीदार इंदर के अपार्टमेंट के पास पहुंचता है और उन्हें अतरंग स्थिति में गलत समझकर समाज के सभी बुजुर्गों को सचेत करता है। अनजान शरू इंदर की अनिच्छा के बावजूद उसके घाव को ठीक करने में मदद करता है। जयराम अपनी यात्रा से जल्दी लौट आता है। बह और बड़ों ने शरू को अपने बिस्तर पर इंदर के साथ पाया, स्थिति को बुरी तरह से गलत समझा, जबकि जयराम ने उसे छोड़ दिया। शरू अपनी माँ अरुंधति को बताता है कि उस रात वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन उससे जयराम को ना बताने के लिए कहता है क्योंकि उसने आखिरकार कावेरी की शादी के लिए सहमति दे दी थी। इंदर उसे एक अपार्टमेंट खोजने में मदद करता है और एक स्थानीय हेयर ड्रेसर मुस्तकीन की मदद से उसका मेकओवर भी करवाता है। अपने नए मेकओवर के साथ वह अभिमन्यु का ध्यान खींचती है। इस बीच इंदर को उससे प्यार हो जाता है, लेकिन जब अभिमन्यु उसे प्रपोज करता है तो वह चुप रहता है क्योंकि वह चाहता है कि वह खुश रहे। हालांकि अभिमन्यु ने शादी के दिन उसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि उसके पिता एक बदनाम बहू नहीं चाहते थे। शरू का दिल टूट गया और वह अपने हनीमून स्वीट में चली गई। वहाँ से शरू और इंदर एक साथ रात बिताते हैं। अगली सुबह इंदर शरू को अभिमन्यु को गले लगाते हुए देखता है और दिल टूट जाता है। शरू के साथ सभी संपर्कों को तोड़ते हुए इंदर अवसाद में आ जाता है। जब उसे अभिमन्यु से पता चलता है कि शरू ने वास्तव में अभिमन्यु के दूसरे मौके के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था, तो वह उसे ट्रैक करता है और उसे एक बौद्ध मठ में पाता है, जहाँ वह उससे अपने प्यार का इजहार करता है। शरू बेहोश हो जाता है और इंदर उसे अस्पताल ले जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वह पीड़ित है। मस्तिका वर्णागुर्द और जीने के लिए बहुत कम दिन होते हैं। जबरन शरू के माता पिता के घर में घुस जाता है और उनसे मांग करता है कि वे अपनी बेटी के मरने का नाटक करना बंद करें। अगले दिन उसे जयराम द्वारा लगाए गए आरोपों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। शरू डिस्चार्ज हो जाता है और लाइब्रेरी जाता है, जहाँ उसे चेकआउट पर्चियों में इंदर द्वारा उसके लिए छोड़े गए गुप्त संदेशों का पता चलता है। यह महसूस करते हुए कि वह शुरू से ही उसे प्यार करता है, दोनों एकजुट हो जाते हैं और शुरू इंदर से
उसे शादी करने के लिए कहता है। उस रात शरू उसे बताती है कि उसकी मृत्यु के बाद वह एक खूबसूरत फूल वाले पेड़ के नीचे दफन होना चाहती है। इंदर जयराम से मिलता है और उसे बताता है कि वह शरू से शादी कर रहा है और उसके लिए मर भी सकता है। अपनी शादी के दिन शरू के माता पिता आते हैं और उनकी शादी को स्वीकार करते हैं। शादी के बाद शरू बेहोश हो जाता है और अस्पताल में भर्ती हो जाता है। उसके माता पिता को उसकी बीमारी के बारे में पता चलता है और जयराम दिल टूटने और दोषी महसूस करता है। इंदर अपने पिता राजेंद्र लाल परियार से पूछता है, जिसके साथ उसका एक तनावपूर्ण रिश्ता है। उसके लिए शरू को दफनाने के लिए पेड़ के नीचे ज़मीन हासिल करने के लिए शरू इंदर की बाहों में मर जाता है और इंदर का दिल टूट जाता है। इंदर राजेंद्र को अस्पताल में पाता है और उसके साथ सुलह करता है। अब एक सफल वकील इंदर उस पेड़ के पास खड़ा है जो शरू की कब्र को चिन्हित करता है। वह दावा करता है कि उसे सफल और शांत देखकर खुश होना चाहिए। वह कहता है कि वह उसे याद करता है और शाश्वत सच्चे प्यार का वादा करता है। फेकना हर्षवर्धन राणे इंदर परिहार के रूप में, सरस्वती शरू पार्थ सारथी ऑब्लिक सरस्वती इंदर परिहार के रूप में, मावरा होकेन सिद्धांत खेक डमल अमित के रूप में, मनीष चौधरी जयराम पार्थ सारथी शरू के पिता के रूप में, प्यू मोरी मेहता अरुंधति पार्थ सारथी के रूप में, दिव्यता सिंह कावेरी पार्थ सारथी शरू की बहन के रूप में, अभिमन्यु शास्त्री शरू के दोस्त और बाद में मंगेतर के रूप में, अनुराग सिन्हा मुरली शर्मा इंस्पेक्टर हरी निकम के रूप में, श्रद्धा दास रूबी मल्होत्रा के रूप में, मुस्तकीन भाई के रूप में, विजयराज सुदेश बेरी इंदर के पिता राजेंद्र लाल परिहार के रूप में, पंडित के रूप में रवि शर्मा, कृष्णा राठौर चौकीदार के रूप में, आलोक पांडे रुशद राणा डॉक्टर के रूप में, कास्टिंग डायरेक्टर के रूप में गिरधर स्वामी, गीत संगीत सनम तेरी कसम द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम हिमेश रेशमिया, मुख 7 जनवरी 2016 रिकॉर्डेड 2015, शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक लंबाई 44:16, लेवल इरोज नाउ, निर्माता हिमेश रेशमिया, हिमेश रेशमिया कालक्रम प्रेम रतन धन पायो 2015, सनम तेरी कसम 2016, तेरा सुरूर 2016, गाने हिमेश रेशमिया ने कंपोज किए थे। गाने के बोल समीर अनजान शब्बीर अहमद रेशमिया और सुब्रत सिन्हा ने लिखे हैं। शीर्षक ट्रैक 22 दिसंबर 2015 को जारी किया गया था और पूरा एल्बम 7 जनवरी 2016 को जारी किया गया था। सारा संगीत हिमेश रेशमिया द्वारा रचित है। गाना नंबर 1 सनम तेरी कसम, इस गाने के बोल समीर अनजान ने लिखे हैं और गायकार अंकित तिवारी और पलक मुच्छल हैं। गाना नंबर 2 खींच मेरी फ़ोटो, इस गाने के बोल लिखे हैं समीर अनजान ने और इस गाने के गायकार दर्शन रावल, नीति मोहन और अकाशा सिंह हैं। गाना नंबर 3 बेवजह, इस गाने के बोल लिखे हैं समीर अनजान ने और इस गाने के गायकार हिमेश रेशमिया हैं। गाना नंबर 4 तेरा चेहरा, इस गाने के बोल शब्बीर अहमद ने लिखे हैं और इस गाने को अरिजीत सिंह ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 5 हाले दिल पुरुष, इस गाने के बोल समीर अनजान ने लिखे हैं और गायकार श्री राम हैं। गाना नंबर 6 हाले दिल पहला, इस गाने के बोल समीर अनजान ने लिखे हैं और गायकार नीति मोहन हैं। गाना नंबर 7 एक नंबर, इस गाने के बोल हिमेश रेशमिया ने लिखे हैं और इस गाने के गायकार हिमेश रेशमिया और नीति मोहन हैं। गाना नंबर 8 मैं तेरी यादों में, इस गाने के बोल सुब्रत सिन्हा ने लिखे हैं, इस गाने के गायकार अरिजीत सिंह हैं। गाना नंबर 9 सनम तेरी कसम आश्चर्य, इस गाने के बोल समीर अनजान ने लिखे हैं और गाने के गायकार मोहम्मद इरफान अली और पलक मुच्छल हैं। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको सनम तेरी कसम मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। सनम तेरी कसम 2016 फिल्म, सनम तेरी कसम
2016 की एक भारतीय रोमांटिक ट्रेजेडी फिल्म है जिसका निर्देशन राधिका रॉय विनय सप्रू की जोड़ी ने किया है और दीपक मकुट द्वारा निर्मित है। इसमें हर्षवर्धन राणे और मावरा होकेन प्रमुख भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म एरिक सैगल के उपन्यास लव स्टोरी का आधुनिक संस्करण है। फिल्म में जब सरस्वती के पिता उसे घर से बाहर निकाल देते हैं तो इंदर सभी बाधाओं के खिलाफ उसके साथ खड़ा होता है और यह उन्हें एक दूसरे के करीब लाता है। हालांकि उन्हें अलग करने के लिए नियति की अपनी योजनाएं हैं। निर्देशक राधिका राय विनय सप्रू द्वारा लिखित राधिका राय विनय सप्रू द्वारा निर्मित दीपक मुकुट अभिनीत हर्षवर्धन राणे मावरा होकेन सिद्धांत घेगड़मल छायांकन चिरंतन दास संगीत आई मेश रेशमिया उत्पादन कंपनियां झूम झूम प्रोडक्शंस सोहम रॉक स्टार प्रोडक्शंस द्वारा वितरित हीरोज इंटरनेशनल रिलीज की तारीख 5 फरवरी 2016 भारत कार्यकारी समय 154 मिनट देश भारत भाषा हिंदी बजट 25 करोड़ US डॉलर 3.1 मिलियन बॉक्स ऑफिस 56 करोड़ US डॉलर 7.0 मिलियन। यह फिल्म हीरोज इंटरनेशनल के तहत 5 फरवरी 2016 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। फिल्म ने 56 करोड़ US डॉलर 7.0 मिलियन से अधिक की कमाई की। भूखंड एक केस जीतने के बाद लोगों और मीडिया की भारी भीड़ वकील इंदरलाल परिहार को बधाई देती है। बाद में वह शैंपेन की एक बोतल खरीदता है और एक फ्लैशबैक के रूप में एक पेड़ का सामना करने के लिए घर लौटता है। सरस्वती स्वरूप पार्थ सारथी एक बेहद पारंपरिक तेलुगु युवा लाइब्रेरियन है जिन्हें कई शूटर्स द्वारा खारिज किया कर दिया जाता है जो उन्हें पुराने जमाने और अप्रिय पाते हैं। उसकी छोटी बहन कावेरी की मंगेतर ने उसे एक महीने के भीतर उसे शादी करने का अल्टीमेटम जारी किया। यह फिर आगे बढ़ गई लेकिन उसके सत पिता जयराम पार्थ सारथी का कहना है कि उसकी शादी तब तक नहीं हो सकती जब तक शुरू की शादी नहीं हो जाती। क्रोधित होकर कावेरी ने उसका अपमान किया और भाग जाने की धमकी दी। शुरू ने उसे भागने और जयराम को चोट न पहुंचाने की भीख मांगी और कावेरी से वादा किया कि वह जल्द ही एक पति ढूंढ लेगी। उसी इमारत में रहने वाले इंदर फिर एक सुंदर पूर्व अपराधी जो प्रसिद्ध फैशनिस्टा स्टाइलिश रूबी मल्होत्रा के साथ रिश्ते में है। जयराम उन्हें समाज के लिए एक बुरे प्रभाव के रूप में देखते हैं क्योंकि वह उन्हें शर्मनाक पाते हैं। हालांकि कुछ दिनों बाद उनका ब्रेकअप हो जाता है। जब सरू के माता पिता शहर से बाहर होते हैं तो सरू चुपके से इंदर से मिलता है और रूबी से मेकओवर अपॉइंटमेंट लेने के लिए मदद मांगता है। वह अपने ऑफिस क्रश अभिमन्यु शास्त्री को प्रभावित करना चाहती है जिनके पास आईआईटी में डिग्री है। उनकी बातचीत के दौरान एक शराबी रूबी अंदर आती है और इंदर को धोखा देने का अनुमान लगाती है। गुस्से में वह शरू का अपमान करती है और अपनी शराब की बोतल शरू पर फेंक देती है और चली जाती है लेकिन इंदर उसे ढाल देता है और बुरी तरह घायल हो जाता है। शरू इंदर को उसके बिस्तर तक ले जाने में मदद करता है जबकि चौकीदार इंदर के अपार्टमेंट के पास पहुंचता है और उन्हें अतरंग स्थिति में गलत समझकर समाज के सभी बुजुर्गों को सचेत करता है। अनजान शरू इंदर की अनिच्छा के बावजूद उसके घाव को ठीक करने में मदद करता है। जयराम अपनी यात्रा से जल्दी लौट आता है। बह और बड़ों ने शरू को अपने बिस्तर पर इंदर के साथ पाया। स्थिति को बुरी तरह से गलत समझा जबकि जयराम ने उसे छोड़ दिया। शरू अपनी माँ अरुंधति को बताता है कि उस रात वास्तव में क्या हुआ था लेकिन उससे जयराम को ना बताने के लिए कहता है क्योंकि उसने आखिरकार कावेरी की शादी के लिए सहमति दे दी थी। इंदर उसे एक अपार्टमेंट खोजने में मदद करता है और एक स्थानीय हेयर ड्रेसर मुस्तकीन की मदद से उसका मेकओवर भी करवाता है। अपने नए मेकओवर के साथ वह अभिमन्यु का ध्यान खींचती है। इस बीच इंदर को उससे प्यार हो जाता है लेकिन जब अभिमन्यु उसे प्रपोज करता है तो वह चुप रहता है क्योंकि वह चाहता है कि वह खुश रहे। हालांकि अभिमन्यु ने शादी के दिन उसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि उसके पिता एक बदनाम बहू नहीं चाहते थे। शरू का दिल टूट गया और वह अपने हनीमून स्वीट में चली गई। वहाँ से शरू और इंदर एक साथ रात बिताते हैं। अगली सुबह इंदर शरू को अभिमन्यु को गले लगाते हुए देखता है और दिल टूट जाता है। शरू के साथ सभी संपर्कों को तोड़ते हुए इंदर अवसाद में आ जाता है जब उसे अभिमन्यु से पता चलता है कि शरू ने वास्तव में अभिमन्यु के दूसरे मौके के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। तो वह उसे ट्रैक करता है और उसे एक
बौद्ध मठ में पाता है, जहाँ वह उससे अपने प्यार का इजहार करता है। शरू बेहोश हो जाता है और इंदर उसे अस्पताल ले जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वह पीड़ित है। मस्तिका वर्णलावुर्द और जीने के लिए बहुत कम दिन होते हैं, जब जबरन वह जबरन शरू के माता पिता के घर में घुस जाता है और उनसे मांग करता है कि वे अपनी बेटी के मरने का नाटक करना बंद करें। अगले दिन उसे जयराम द्वारा लगाए गए आरोपों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। शरू डिस्चार्ज हो जाता है और लाइब्रेरी जाता है, जहाँ उसे चेकआउट पर्चियों में इंदर द्वारा उसके लिए छोड़े गए गुप्त संदेशों का पता चलता है। यह महसूस करते हुए कि वह शुरू से ही उसे प्यार करता है, दोनों एकजुट हो जाते हैं और शुरू इंदर से उसे शादी करने के लिए कहता है। उस रात शुरू उसे बताती है कि उसकी मृत्यु के बाद वह एक खूबसूरत फूल वाले पेड़ के नीचे दफन होना चाहती है। इंदर जयराम से मिलता है और उसे बताता है कि वह शुरू से शादी कर रहा है और उसके लिए मर भी सकता है। अपनी शादी के दिन शुरू के माता पिता आते हैं और उनकी शादी को स्वीकार करते हैं। शादी के बाद शुरू बेहोश हो जाता है और अस्पताल में भर्ती हो जाता है। उसके माता पिता को उसकी बीमारी के बारे में पता चलता है और जयराम दिल टूट रहे हैं और दोषी महसूस करता है। इंदर अपने पिता राजेंद्र लाल परियार से पूछता है, जिसके साथ उसका एक तनावपूर्ण रिश्ता है। उसके लिए शरू को दफनाने के लिए, पेड़ के नीचे ज़मीन हासिल करने के लिए शरू इंदर की बाहों में मर जाता है और इंदर का दिल टूट जाता है। इंदर राजेंद्र को अस्पताल में पाता है और उसके साथ सुलह करता है। अब एक सफल वकील इंदर उस पेड़ के पास खड़ा है जो शरू की कब्र को चिन्हित करता है। वह दावा करता है कि उसे सफल और शांत देखकर खुश होना चाहिए। वह कहता है कि वह उसे याद करता है और शाश्वत सच्चे प्यार का वादा करता है। फेकना हर्षवर्धन राणे इंदर परिहार के रूप में, सरस्वती शरू पार्थ सारथी ऑब्लिक सरस्वती इंदर परिहार के रूप में, मावरा होकेन सिद्धांत खेक डमल अमित के रूप में, मनीष चौधरी जयराम पार्थ सारथी शरू के पिता के रूप में, प्यू मोरी मेहता अरुंधति पार्थ सारथी के रूप में, दिव्यता सिंह कावेरी पार्थ सारथी शरू की बहन के रूप में, अभिमन्यु शास्त्री शरू के दोस्त और बाद में मंगेतर के रूप में, अनुराग सिन्हा मुरली शर्मा इंस्पेक्टर हरी निकम के रूप में, श्रद्धा दास रूबी मल्होत्रा के रूप में, मुस्तकीन भाई के रूप में, विजयराज सुदेश बेरी इंदर के पिता राजेंद्र लाल परिहार के रूप में, पंडित के रूप में रवि शर्मा, कृष्णा राठौर चौकीदार के रूप में, आलोक पांडे रुशद राणा डॉक्टर के रूप में, कास्टिंग डायरेक्टर के रूप में गिरधर स्वामी, गीत संगीत सनम तेरी कसम द्वारा साउंडट्रैक एल्बम हिमेश रेशमिया, 7 जनवरी 2016 रिकॉर्डेड 2015, शैली फीचर फिल्म साउंडट्रैक लंबाई 44:16 लेवल इरोज नाउ निर्माता हिमेश रेशमिया, हिमेश रेशमिया कालक्रम प्रेम रतन धन पायो 2015, सनम तेरी कसम 2016, तेरा सुरूर 2016। गाने हिमेश रेशमिया ने कंपोज किए थे। गाने के बोल समीर अनजान, शब्बीर अहमद रेशमिया और सुब्रत सिन्हा ने लिखे हैं। शीर्षक ट्रैक 22 दिसंबर 2015 को जारी किया गया था और पूरा एल्बम 7 जनवरी 2016 को जारी किया गया था। सारा संगीत हिमेश रेशमिया द्वारा रचित है। गाना नंबर 1 सनम तेरी कसम, इस गाने के बोल समीर अनजान ने लिखे हैं और गायकार अंकित तिवारी और पलक मुच्छल हैं। गाना नंबर 2 खींच मेरी फ़ोटो, इस गाने के बोल लिखे हैं समीर अनजान ने और इस गाने के गायकार दर्शन रावल, नीति मोहन और अकाशा सिंह हैं। गाना नंबर 3 बेवजह, इस गाने के बोल लिखे हैं समीर अनजान ने और इस गाने के गायकार हिमेश रेशमिया हैं। गाना नंबर 4 तेरा चेहरा, इस गाने के बोल शब्बीर अहमद ने लिखे हैं और इस गाने को अरिजीत सिंह ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 5 हाले दिल पुरुष, इस गाने के बोल समीर अनजान ने लिखे हैं और गायकार श्री राम हैं। गाना नंबर 6 हाले दिल महिला, इस गाने के बोल समीर अनजान ने लिखे हैं और गायकार नीति मोहन हैं। गाना नंबर 7 एक नंबर, इस गाने के बोल हिमेश रेशमिया ने लिखे हैं और इस गाने के गायकार हिमेश रेशमिया और नीति मोहन हैं। गाना नंबर 8 मैं तेरी यादों में, इस गाने के बोल सुब्रत सिन्हा ने लिखे हैं, इस गाने के गायकार अरिजीत सिंह हैं। गाना नंबर 9 सनम तेरी कसम आश्चर्य, इस गाने के बोल समीर अनजान ने लिखे हैं और गाने के गायकार मोहम्मद इरफान अली और पलक मुच्छल हैं। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।